एवरी वन बस सिर्फ एक सेकेंड दे दें मैं ये लिंक जो है वो लाइक शेयर कर दूँ और फिर हम गुड टू हैं मैं क्लास के साथ लिंक शेयर कर दूँ और हम गुड टू गोएँ फिर इससे सारे लोग ठीक ठाक हैं खैर खरीत है दिन कैसा गुजरा है हाँ जी तो कैसे हैं सारे आप लोग ठीक ठाक हैं ये मैं फेसबुक की बस वॉल पे पोस्ट कर दूं और हम टू को हैं फेसबुक पे ख़ुद पोस्ट कर दूं ग्रुप में तो पहले नहीं सारे काम खत्म हो गए अच्छा तो आज की क्लास जरा ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और क्वेश्चन आंसर्स में आखिर लूंगा आखिर के फिफ्टीन मिनट्स क्वेश्चन आंसर के होंगे कोशिश कीजिएगा कि इस दौरान क्लास के दौरान बात गौर से सुनिए क्वेश्चन नहीं करने आपके क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन कोई लेट सपोज मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही स्लाइड क्लियर नज़र नहीं आ रही कोई इस तरह की चीज़ है तो बीच में वो ज़रूर आपने बता देना है ताकि मुझे पता हो कि स्लाइड विजिबल नहीं है या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही या रिपीट करनी है लेकिन बीच में जब आप एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो उससे क्या होता है कि मेरी जो जितनी भी अटेंशन होती है जो माइंड में चल रहा होता है वो मैं कॉमेंट्स की तरफ जाता हूँ तो वहां पर मैं स्टक हो जाता हूँ ठीक है आवाज़ जो है वो <coughs> मैं थोड़ा सा तेज बोलना स्टार्ट कर देता हूँ थोड़ा सा लाउड बोलना स्टार्ट कर देता हूँ तो आज की क्लास में मैंने सारी जितनी भी ट्रेनिंग थी मैंने दो दिन लगाए हैं और उसको एक रोड मैप दे दी है मैं क्लास स्टार्ट कर देता हूँ और आपको उस रोड मैप का बता देता हूँ कि उस रोड मैप में क्या है ठीक है सलाम अच्छा अब रोड मैप क्या था लेक्चर वन हमारा कंप्लीट हो चुका है लेक्चर वन में हमने क्या कि कॉमर्स का एक इंट्रोडक्शन किया क्या क्योंकि कुछ बच्चे नए थे कि उनको पता चल जाए कि कॉमर्स e क्या है उनका ट्रेनर कौन है वो क्या करता है क्या उसमें चीज़ें हैं क्या चीज़ें हमने कवर्ड करनी है वो चीज़ें कवर्ड हो जाए लेक्चर टू में क्या है लेक्चर टू में हमने किया है हाउ टू स्टार्ट ई कॉमर्स इन पाकिस्तान पाकिस्तान में कॉमर्स e कैसे की जाती है माइंड सेट क्या होना चाहिए मार्केटिंग कैसे होती है ब्रांड्स uh, uh, आपके साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं ये सारी चीजें आपको कवर की गई लेक्चर टू में लेक्चर थ्री आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे तकरीबन दो दिन इसके ऊपर लग चुके हैं क्योंकि बच्चे मैं ड्रॉप शिपिंग नहीं करता खुद मैं होल सेल खुद नहीं करता मैं वाइट लेबल खुद नहीं करता मैं प्राइवेट लेबल रन करता हूँ से प्राइवेट लेबल से थे कुछ को सर्विसेज देनी है तो उन सब से रिलेटेड इस ट्रेनिंग में मैंने फिर एक एक एक, एक चीज को निकाला है एक एक स्लाइड के ऊपर खुद काम किया है और वो चीजें निकाल कर फिर उसकी प्रेजेंटेशन बनाई है और फिर आज आपके साथ मैंने कवर करनी है तो लेक्चर थ्री आज का लेक्चर हो गया लेक्चर फोर में हम क्या करेंगे लेक्चर फोर में हम नीच सेलेक्शन सीखेंगे कि नीच सेलेक्ट कैसे की जाती है वो हम सीखेंगे लेक्चर फोर में और उसमें डिटेल में नीच सेलेक्ट करेंगे हम वो ट्रेनिंग शायद में भी आपको एक आपको पाकिस्तान में किसी भी ट्रेनिंग से ना मिले कि कहीं पे भी यूट्यूब पे भी ना मिले जिस तरह प्रॉपर्ली बिजनेस रन किया जाता है जिस तरह प्रॉपर्ली नीच सेलेक्ट की जाती है ज्यादातर लोग नीच सेलेक्शन पे काम ही नहीं करते डायरेक्ट प्रोडक्ट उठाते हैं भेज देते हैं तो हम नीज सलेक्शन लेक्चर फोर में कवर करेंगे डिटेल में कवर करेंगे ठीक है तो नीज सलेक्शन से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन होगा तो आप लेक्चर फोर के बाद पूछोगे लेक्चर फाइव में हम क्या करेंगे हम ई e कॉमर्स का बिजनेस मॉडल डिस्कस करेंगे ई e कॉमर्स के क्या क्या बिजनेस मॉडल होते हैं किस किस जगह पे दराज है 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 किस किस रिटेल है, इसके अलावा शॉपिफाई हर चीज हम डिटेल में डिस्कवर करेंगे ये चीज आपको इन्वेस्टमेंट उठाने में बहुत हेल्प करेगी जो लेक्चर नंबर फाइव होगा वो लोग जो इन्वेस्टमेंट उठाना चाह रहे हैं वो लोग जो सर्विसेज देना चाह रहे हैं वो लोग जो जॉब्स करना चाह रहे हैं उन तीनों के लिए लेक्चर नंबर फाइव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये चीज भी आपको इंटरनेट पे भी कहीं नहीं मिलेगी लेक्चर नंबर सिक्स में हम ब्रांडिंग कवर करेंगे ब्रांडिंग के लिए मेरा एक ही एक ही क्लास है हालांकि ब्रांडिंग में कम से कम दो से तीन क्लासेस में कवर करता हूं लेकिन आपकी टोटल बारह क्लासेस मुझे अलाउड हैं या मैंने बारह क्लासेस में कवर क्लासे करना है तो ब्रांडिंग में हम क्लास नंबर सिक्स में हम लेक्चर नंबर सिक्स में हम ब्रांडिंग कवर करेंगे लेक्चर नंबर सेवन में हम प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट सोर्सिंग प्रोडक्ट निकाला कैसे जाता है ढूंढा कैसे जाता है सोर्स कैसे किया जाता है प्रोडक्ट ढूंढना कैसे है पाकिस्तान से कैसे ढूंढना है चाइना से कैसे ढूंढना है उसको फिर अगर चाइना से ढूंढ रहे हो तो पाकिस्तान मंगवाना कैसे है अगर पाकिस्तान में ढूंढ रहे हो तो पाकिस्तान में लेना कैसे है टर्म्स कैसे रखनी है कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे रखने हैं कितना ही मार्जिन होना चाहिए ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे लेक्चर एट में हम बिजनेस प्लान बनाएंगे अपना पूरा ई e कॉमर्स का एक बिजनेस प्लान बनाएंगे ताकि ये बिजनेस प्लान वाली जो क्लास होगी ट होगा वो इतना इम्पोर्टेंट होगा कि जब हर बच्चा अपना बिजनेस प्लान बना लेगा तो अभी वो लोगों से पूछता है ना कि भाई ये बिजनेस मेरा ठीक है या नहीं है या ये मैं करूं या ना करूं अभी आप डबल माइंडेड हुए होते हो कि ये चीज मैं करूं या ना करूं आपको अपने ऊपर वो नहीं होता ट्रस्ट नहीं होता अपने ऊपर इतना एतमाद नहीं होता कि यार ये चीज़ मेरी चलेगी या नहीं चलेगी आपको कोई रोकता है कि ना करना तो आप छोड़ देते हो आपको कोई कहता है कर लो तो आप कर लेते हो जब हम बिजनेस प्लान बनाएंगे और बिजनेस प्लान जब आपका बन जाएगा ना उस क्लास में और उस हफ्ते जब आप अपना बिजनेस प्लान बनाओगे तो आपको खुद पता होगा कि आपका ये प्रोडक्ट चलना है या नहीं चलना आपकी ये चीज रन होनी है या नहीं होनी आपका बिजनेस प्रॉपर है या नहीं है या आपको खुद पता होगा आपके पास सारा डेटा आपके पास बन जाएगा तो आप खुद देखकर कर आइडिया लगा लोगे कि यार ये चीज तो मुझसे चलनी है या ये चीज मुझसे नहीं चलनी या ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है या ये है, या ये बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है लेक्चर नंबर प्लान में हम फाइनेंशियल प्लान बनाएंगे हम अपने तीन साल का प्लान बनाएंगे फाइनेंशियल वो भी मैं आपको कंप्लीट बनाना सिखाऊंगा जब आप फाइनेंशियल प्लान सीख लोगे दुनिया का कोई भी बिजनेस आप रन करना चाहो दुनिया के किसी बिजनेस पे भी आप इन्वेस्टमेंट उठाना चाहो आपकी वो चीजें प्रॉपरली कवर्ड होंगी आपकी वो चीजें प्रॉपरली आपको पता होगा कि यार ये क्या है इन्वेस्टर को दिखाओगे तो वो भी कंप्लीट समझ जाएगा कि आप क्या क्या करना चाह रहे हो तो फाइनेंशियल प्लान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस प्लान तो इंपॉर्टेंट होता है उसमें पैसे नहीं होते फाइनेंशियल प्लान में हम एक एक प्रोडक्ट का प्लान बनाएंगे ये प्रोडक्ट कितने में आएगा कितने में बिकेगा ग्रॉस मार्जिन क्या होगा नेट प्रॉफिट क्या होगा सैलरीज कितनी देनी है इसमें खर्चा कितना लगेगा इसको बेचने में पहले महीने में मैं कितना बेचूंगा पहले साल में मैं कितना बेचूंगा दूसरे साल में मैं कितना बेचूंगा तीसरे साल में मैं कितना

फाइनेंशियल प्लान के बाद हम जाएंगे लेक्चर नंबर टेन में जिसमें होगी डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स होगा एक ही क्लास होगी उसमें एक ट्रेनर आएगा वो और वो टॉप नॉट ट्रेनर होगा जो आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाएगा मैक्सिमम जो वो कवर कर सकता है इंस्टा और फेसबुक वो कवर करेगा टिकटॉक का और स्नैपचैट का मैं वादा नहीं करता लेकिन दस से पंद्रह मिनट बीस मिनट में आपको एक आइडिया देगा कि टिकटॉक कैसे रन होता है ठीक है डिजिटल मार्केटिंग हमारी कवर्ड हो जाएगी उसके बाद लेक्चर नंबर 11 में हम पैकेजिंग वेबसाइट डेवलपमेंट, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ये सब कुछ हम कवर करेंगे लेक्चर नंबर इलेवन में लेक्चर नंबर ट्वेल्व में हम कवर करेंगे कोई एक गेस्ट आएंगी जो आप जो बच्चे मेरी जॉब से रिलेटेड होंगे ना तो उनके इंटरव्यूज उनको सिखाना उनके पहले सीवीज बनवाएंगे हम और उसके बाद उनको इंटरव्यू के लिए मैं खुद ट्रेन करूंगा मैं खुद बताऊंगा कि इंटरव्यूज कैसे देने हैं क्या क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस का आंसर कैसे देना होता है क्या होता है इनशाला जो बच्चा आज सत्रह हजार सैलरी कर रहा है वो इनशाला एक लाख बीस एक लाख तीस हजार रुपए तक के लिए कैपेबल हो जाएगा इस सारी ट्रेनिंग के बाद जितनी चीजें उसको इस ट्रेनिंग से पता चल जाएंगी वो जब इंटरव्यू में बैठेगा सबसे पहले काम क्या होता है जॉब में सबसे पहले तो आपने रिज्यूमे भेजना होता है और अगर सो रिज्यूम में जा रहे हैं तो आपको उसमें से कॉल आए जॉब के इंटरव्यू के लिए ये मैं मेक श्योर करूंगा जब आपको जॉब के लिए इंटरव्यू आ जाए उसके बाद आपने इंटरव्यू देना कैसे है उसके लिए भी मैं खुद प्रिपेयर करूंगा आप बच्चों को तो लेक्चर नंबर ट्वेल्व उन बच्चों के लिए होगा और लेक्चर नंबर थर्टीन जो होगा वो फाइवर पे वो बच्चे जो सर्विसेज देना चाह रहे हैं वो बच्चे जो अपने ई कॉमर्स स्टोर साइट पे बना रहे हैं और साथ सर्विसेज देना चाह रहे हैं कि यार ई कॉमर्स में ही मैं साथ सर्विसेज देता हूँ वहां से पैसा कमाता हूँ और अपने स्टोर पे लगाता जाता हूँ तो फाइवर से रिलेटेड हमारे गेस्ट होंगे एतजाज़ भाई वो फाइवर के टॉप रेटेड फ्री हैं उनको हम बुलाएंगे वो हमें इन सिखाएंगे क्या कहते हैं उसको फाइवर सिखा देंगे मेरा जॉब वाला भी कवर्ड होगा और मेरा आ, 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 सर्विसेज वाली भी क्लास कवर्ड हो जाएगी सर्विसेज के बाद हम जो आखिरी क्लास होगी लेक्चर नंबर फोर्टीन उसमें हम क्वेश्चन आंसर प्लस ब्रांड को स्केल कैसे करना है इन्वेस्टमेंट कैसे उठानी है क्या करना है वो सब कुछ हम कवर्ड करेंगे लेक्चर नंबर जो नाइन है ना उसमें भी मैं आपको इन्वेस्टर से बात कैसे करनी है इन्वेस्टर को पहुंचना कैसे है इन्वेस्टर से क्या करना है फाइनेंशियल प्लान जो है वो सारी चीजें हमारी उसमें कवर्ड होंगी तो ये रोड मैप सारा मैंने आपको बता दिया लेक्चर नंबर वन से लेकर लेक्चर नंबर थर्टीन तक हम किस स्टेज के ऊपर होंगे एक 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 चीज मैंने आपको क्लियर बता दी कि इसमें हम क्या क्या पढ़ रहे होंगे ये पूरा रोड मैप जो है लेक्चर नंबर वन से थर्टीन तक आपको अल्लाह के हुक्म से ये मेरा पेड रोड मैप है जो मेरे पास पेड पेड बच्चे आते हैं फोर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज उनकी आ, फी होती है प्लस एटी थाउजेंड रुपीज वन ऑन वन सेशन को होता है एक बच्चा जो मेरे से वन ऑन वन सेशन लेता है वो एटी थाउजेंड रुपीज पे करता है तो ये सारा उसका रोड मैप था और उसको भी मैंने और टॉप नॉच किया आप बच्चों के लिए थोड़ा सा और कस, कस्टमाइज किया तो ये सारा आपको फ्री मिलेगा ये रोड मैप आपको समझ आ गया अब बच्चों का ये क्वेश्चन ही होगा कि क्वेश्चन लेक्चर नंबर थ्री में हम क्या करेंगे लेक्चर नंबर फोर में हम क्या करेंगे लेक्चर ये सारी स्लाइड आपके साथ शेयर हो जाएगी ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा हर व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर हो जाएगा फेसबुक ग्रुप में भी शेयर होगा तो आपने जिस दिन क्लास होगी उस दिन आपको पता होगा कि यार लेक्चर नंबर फाइव है तो ये किससे रिलेटेड है ठीक है ये क्लास कवर्ड होगी उसके बाद टाइमिंग्स का जिन बच्चों को इश्यू आ रहा है क्लास टाइम जो होगा वो हर ट्यूजडे को और हर सैटरडे को होगी सैटरडे की क्लास शायद मैं संडे को ट्रांसफर कर दूं सैटरडे या संडे में से क्लास होगी अगर मैं सैटरडे को बिजी हूं लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं सैटरडे को ही क्लास लूं इस ट्यूसडे को क्लास नहीं होगी क्योंकि आज की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है और इसमें मैंने आपको असाइनमेंट देनी है ताकि आपके पास एक हफ्ता हो उस असाइनमेंट को करने के लिए इस सफ, अगले हफ्ता जो आ रहा है उसमें हम सैटरडे को क्लास लेंगे या आपके पास पाँच से छह दिन होंगे जिसमें आप प्रॉपरली जिसमें आप प्रॉपरली जो है वो क्लास ले लो जिसमें आप प्रॉपरली कंप्लीट कर लो आज की क्लास में मेरा बहुत टाइम लगे आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में आपको कंप्लीटली समझाता हूँ कि अच्छे अच्छा स्लाइड्स में अपनी जो बच्चे मुझसे स्लाइड्स मांगते हैं मैं ये स्लाइड्स अपने प्राइव जो मुझे पैंतालीस हजार रुपया फी देता है और जो मुझे अस्सी हजार रुपये फी देता है ये उनके साथ भी शेयर नहीं होती तो स्लाइड्स में अपनी शेयर नहीं कर सकता जिसने स्क्रीन शॉट लेने हैं वो ले लें जिसने क्लास की रिकॉर्डिंग लेनी है रिकॉर्डिंग आपके पास यूट्यूब पे अवेलेबल है स्लाइड्स की स्क्रीन आप ले सकते हो मैं अपनी स्लाइड्स आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अच्छा इसके अलावा जो लेक्चर है वो कुछ बच्चों यूट्यूब पे जाते हैं और उनको लेक्चर नजर नहीं आता कि यार ये आज की जिस तरह लेक्चर हो जाएगा तो उनको लिंक नहीं मिलता कि वो क्लास किधर गई है जो क्लास हुई है उसमें सिंपल है आपने यूट्यूब पे जाना है अली स्वाति पे जाना है यूट्यूब पे जाना है उसके बाद आपने वीडियोज में नहीं जाना इधर उधर लिखा होता है आइकन बना होता है लाइव ये लाइव आपको नजर आ रहा होगा मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ठीक है ये चीज क्लियर होगी अब आते हैं जी सीधा सीधा आज की क्लास की तरफ ई e कॉमर्स के मॉडल्स डिस्कस करते हैं गपशप लगाते हैं और ई e कॉमर्स के मॉडल्स वाली क्लास मुझे क्यों लग रहा है ये लंबी जाएगी क्योंकि इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैं हूं प्राइवेट लेबल का ट्रेनर मेरे पास जितना स्टूडेंट आता है वो प्राइवेट लेबल से आता है मेरी जितनी ब्रांडिंग पे ग्रिप है मार्केटिंग पे ग्रिप प्राइवेट लेबल जो होता है ना वो टॉप नॉच होता है जितने चार मॉडल्स आपको बताऊंगा उन सब का जो टॉप नॉच मॉडल होता है वो प्राइवेट लेबल होता है ठीक है जिसपे आपको इन्वेस्टमेंट्स भी तगड़ी मिलती है सेल स्लो मिलती है लेकिन आप ब्रांड बन जाते हो वो प्राइवेट लेवल होता है मैं आपको सारा डिफरेंस बताऊंगा इन चारों में डिफरेंस क्या है कौन सा ठीक है कौन सा गलत है किसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान है कैसे स्टार्ट किया जाता है सब कुछ लेकिन मैं जो ट्रेनर हूँ वो प्राइवेट लेवल का ट्रेनर हूँ प्राइवेट लेवल मॉडल में जो ट्रेनिंग होती है वो भी टॉप नॉच होती है एक्सपर्ट लेवल होती है उसमें जो स्टूडेंट आते हैं वो भी बड़ा विजन और बड़ा माइंडसेट और बड़ा सोच कर आते हैं ठीक है बड़ा सोचोगे तो बड़ा मिलेगा पैसों का मसला नहीं है पचास हजार से भी स्टार्ट हो जाता है आप विदाउट इन्वेस्टमेंट भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो पैसों का मसला नहीं होता विजन का और माइंड का इश्यू होता है तो जो मेरे पास अभी तक बच्चे आते थे वो प्राइवेट लेबल से आते थे बाइट लेबल और ड्रॉप शिपिंग के बच्चे मेरे पास नहीं आते थे ये पहली क्लास है जिसमें मिक्स है तो मैं ड्रॉप शिपिंग वाइट लेबल होलसेल और प्राइवेट लेबल सब कुछ कवर कर रहा हूँ आपने मेरे पहले जो दो लेक्चर्स हैं उसमें भी आपने देखा होगा कि जो चीजें मैं मार्केटिंग से रिलेटेड आपको बताता हूँ वो आपको कहीं नहीं मिलती क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादातर लोग ड्रॉप शिपिंग और वाइट लेबल ही पढ़ाते हैं और वही करवाते हैं लेकिन वो मॉडल्स में फायदा क्या है नुकसान क्या है वो करना क्यों नहीं चाहिए मैं नहीं करता मैं ड्रॉप शिपिंग भी नहीं करता वाइट लेबल भी नहीं करता होल भी नहीं करता मैं क्यों नहीं करता उसका रीजन भी आज, आज आपको पता चल जाएगा तो सबसे पहले हम जाते हैं चार मॉडल्स होते हैं ई कॉमर्स में ड्रॉप शिपिंग मॉडल होलसेल मॉडल वाइट लेबल मॉडल प्राइवेट लेबल मॉडल ठीक है ये चार नाम आपने याद कर लेने हैं आपसे कोई ई e कॉमर्स के बारे में पूछे तो जी ई कॉमर्स के चार मॉडल्स हैं ड्रॉप शिपिंग मॉडल होता है होलसेल मॉडल होता है वाइट लेबल मॉडल होता है और प्राइवेट लेबल मॉडल होता है ड्रॉप शिपिंग मॉडल क्या होता है ड्रॉप शिपिंग मॉडल ये होता है बहुत आसान है ई e कॉमर्स इतनी मुश्किल नहीं है जितने लोग मुश्किल बना देते हैं वो असल में पूरी तरह समझते नहीं है ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये होता है कि आप क्या चाहते हो ये सारा प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है अच्छा ये जो चारों मॉडल्स होते हैं ये प्रोडक्ट डिपेंडेंट होते हैं प्रोडक्ट डिपेंडेंट क्या मतलब है मैं समझाता हूँ आपको कॉमर्स e आ गई है आपको तो ड्रॉप शिपिंग में आप क्या करते हो कि आप कहते हो जी मैं अपनी इन्वेस्टमेंट ना प्रोडक्ट के ऊपर नहीं लगाना चाहता मैं नहीं चाहता कि मैं प्रोडक्ट खरीदू उसके बाद उसको बेचू मैं ये चाहता हूं कि जिसके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट है अच्छा ड्रॉप शिपिंग ये होती है कि जिसमें आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते प्रोडक्ट के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते कि मैं प्रोडक्ट खरीदूं अपने पास वेयर हाउस में रखूं या अपने घर पे रखूं फिर कुरियर वाले को दूं वो कुरियर वाला उसको लेकर जाए ऑर्डर्स जनरेट करूं कुरियर वाला आए वो ऑर्डर लेकर जाए डिलीवर करे और मेरे अकाउंट में मेरे पैसे भर दे मैं ये सब कुछ नहीं चाहता मैं ये चाहता हूँ कि मैं सिर्फ सेल्स लेकर आऊं और जो बंदा जिसका प्रोडक्ट है वो उसको सेल्स भेज दू वो मेरी जगह प्रोडक्ट पैक भी करे प्रोडक्ट को लोगों तक डिलीवर भी करवाए और मेरा कमीशन मुझे दे विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट जब आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट ऑन प्रोडक्ट जब आप कोई इकॉमर्स uh, e करना चाहते हो तो उसको ड्रॉप शिपिंग मॉडल कहते हैं ड्रॉप शिपिंग में

अब मेरे पास डिफरेंट फोन के कवर्स हैं हर स्टाइल के अवेलेबल हैं आप क्या करते हो कि आप मुझे कांटेक्ट करते हो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो कि जी मैं आपके प्रोडक्ट की सेल्स जनरेट करूंगा मैं आपका प्रोडक्ट बेचूंगा आपके जो प्रोडक्ट बिकेगा मैं आपको उसकी डिटेल्स उसका सारा किसको डिलीवर करना है कितने में डिलीवर करना है वो सारा डेटा आपको प्रोवाइड करूंगा आप मेरी जगह इसी सेम प्रोडक्ट को पैक करोगे उसको डिलीवर करवाओगे और मेरा प्रो मेरा जो कमीशन है वो पर प्रोडक्ट आप मुझे मेरा कमीशन दे दोगे मैं और आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ आप क्या करते हो मेरे से सारी पिक्चर्स लेते हो सारा डेटा लेते हो उसकी प्राइसिंग लेते हो सारा डेटा लेकर उसको अपनी उन पिक्चर्स को उन वीडियोस को अपनी वेबसाइट पे लगाते हो अपने इंस्टा पे लगाते हो अपने फेसबुक पे लगाते हो वहाँ पे वो डेटा लगा कर उन पे एड्स रन करते हो अच्छा उसमें अपना कमीशन ऐड करते हो लेट सपोज मैं आपको ये ड्रॉप शिपिंग पे सात सौ रुपये का प्रोडक्ट देता हूँ आप या आठ सौ रुपये का प्रोडक्ट देता हूँ आप उसकी प्राइस अपनी वेबसाइट पे हजार रुपए लगाते हो आप अपनी आ, क्या कहते हैं उसको वेबसाइट पे अपने इंस्टा पे अपने फेसबुक पे व्हाट्सएप पे डिफरेंट जगहों पे उसकी प्राइस हजार रुपया लगाते हो मेरी वाली ही पिक्चर जो कंटेंट मैंने दिया हुआ है आपको उसी को अपनी वेबसाइट पे यूज करते हो उसी को अपने इंस्टा पे यूज करते हो उसी को अपने फेसबुक पे यूज करते हो एड्स रन करते हो एड्स रन करके सेल्स जनरेट करते हो वो सेल्स आती जाती है मुझे भेजते जाते हो मैं आपकी जगह उसके प्रोडक्ट को पैक करता हूँ आपके कस्टमर को डिलीवर करवाता हूं और आपका जो भी मार्जिन था दो सौ रुपए आठ सौ रुपए का आप मुझसे ले रहे थे हजार रुपए का बेच रहे थे मैं आपको आपका दो सौ रुपए दे देता हूँ ठीक है तो ये होती है ड्रॉप शिपिंग कि जिसमें मैंने प्रोडक्ट खरीदना नहीं है किसी के पास प्रोडक्ट्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं हमने उससे सिर्फ इन्वेंट्री उठानी है अपनी वेबसाइट पे लगानी है और उसको हमने बेच देना है अब ई e कॉमर्स में मैं आपको ड्रॉप शिपिंग के फायदे और नुकसान बताता हूँ e ई कॉमर्स पाकिस्तान में सक्सेसफुल नहीं है मैं आज ये आपको बता दूं वो बच्चे जो पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग के बारे में सोच रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ ये फायदा मंद नहीं है मैं रीजन के साथ बता क्यूँ फायदा मंद नहीं है इसके फायदे क्या है नुकसान क्या है ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ अच्छा, क्या है पहले फायदे डिस्कस करते हैं पहला फायदा यह है कि सबसे सस्ते में आपका ई कॉमर्स स्टार्ट हो जाता है आपकी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट पे नहीं लगती आपको प्रोडक्ट ढूंढना नहीं पड़ता आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं चेक करनी पड़ती कुछ नहीं करना पड़ता आपने बना बनाया डेटा पिक्चर्स सब कुछ आपको मिलता है आप वे व्हाट्सएप पे जाते हो लोगों को भेज देते हो मैसेज करते हो लोगों को भेज देते हो वेबसाइट पे लगा कर भेज देते हो इंस्टा फेसबुक से भेज देते हो मैसेंजर से भेज देते हो अपने लिंक्स में डालकर भेज देते हो आप सिर्फ बेचने पे फोकस रखते हो प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या है कैसे है कौन डिलीवर करेगा रिटर्न आएगा ये चीजें आपका मसला नहीं है आप बेचते हो और वो प्रोडक्ट अपना कमीशन ले लेते हो ये एक फायदा तो ये हो गया कि जी बहुत सस्ते में आपका ई कॉमर्स स्टार्ट हो जाता है दूसरा क्या फायदा है बहुत कम रिस्क इन्वॉल्व है क्योंकि आप प्रोडक्ट खरीद नहीं रहे हो कोई काम खुद कर नहीं रहे हो तो वो उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है कम इन्वॉल्व है और आपकी सेल्स बस आती रहती है स्ट्रीम लाइन में एक्सल चल रही होती है ये आपको फायदा है नुकसान क्या है नुकसान बहुत है शिपिंग के खासतौर तो पर पाकिस्तान में करो यूके में करो यूएसए में करो जहां पे भी करो बहुत ज्यादा नुकसान है पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा नुकसान है पहला नुकसान ये है कि आपकी जो इन्वेंट्री किस में मार्जिन बड़े काम होते हैं मार्जिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ई e कॉमर्स में मार्जिन मेरे पास मार्जिन तगड़े होने चाहिए मार्जिन मार्जिन अच्छे होंगे मैं मार्केटिंग पे अच्छा स्पेंड कर सकूंगा मैं अपने फोटोग्राफी पे वीडियोस पे कंटेंट पे इन चीजों पे बड़ा अच्छा इन्वेस्ट कर सकूंगा इन्फ्लुएंसर्स को प्रोडक्ट भेजूंगा उनसे इन्फ्लुएंसर से वीडियोस लूंगा उनके थ्रू अपना प्रोडक्ट बेचूंगा तो मेरे पास उस इन सब काम को करने के लिए मेरे पास मार्जिन अच्छे होने चाहिए मार्जिन क्यों अच्छे नहीं है मैं आपको उसका रीजन दे देता हूं ठीक है यार नेटवर्क मार्केटिंग में ड्रॉप बता रहा हूं और अभी मैंने आपको नहीं बताया इस चीज के ऊपर कौन सी एप्लीकेशन है अगली स्लाइड है एप्लीकेशन की अभी वो स्लाइड आई नहीं है और आप अगली स्लाइड का क्वेश्चन पहले करोगे तो मुझे गुस्सा ही आएगा ना इस बात पे मैंने पहले कहा कि बीच में टोका मत करो मुझे तो मार्जिन जो होते हैं इसमें बहुत लो होते हैं ठीक है आ, जब मार्जिन लो होते हैं उसके अलावा आपकी इन्वेंट्री के इश्यूज आते हैं आप ऑर्डर जनरेट कर लेते हो आपकी जगह जिसने वो डिलीवर करवाना है वो स्लो प्रोसेस अगर उसका होता है और वो स्लोली स्लोली अगर लेट सपोज छः से सात दिन आठ दिन लग जाते हैं वो पैक करता है डिलीवर करवाता है वहां से पैसे आएंगे उसके अकाउंट में आएंगे वो आपके अकाउंट में जमा कराएगा तो सात से आठ दिन नौ दिन उसको डिलीवरी पे और इन चीज़ों पर लग जाते हैं जब वो लग जाते हैं तो उससे इशू क्या होता है कि आपकी जो जो ऑर्डर्स आपने जनरेट किए होते हैं ना वो भी बैक ऑर्डर्स आपके जम होते रहते हैं ऑर्डर्स डिलीवर नहीं हो रहे होते हैं। आपने ऑर्डर लेकर आए हुए हैं वो बैक एंड के ऊपर आपके ऑर्डर जमा होते जाते हैं जमा होते जाते हैं जमा होते जाते हैं तो एक इसका प्रॉपर स्ट्रीम लाइन स्ट्रक्चर नहीं होता आप डिपेंडेंट होते हो उस बंदे की तरफ जो जो जिसका प्रोडक्ट होता है कि वो आपकी जगह पैक भी करेगा डिलीवर भी कराएगा उसकी तरफ से भी डिले आएगा तो आपका भी काम खराब होगा अच्छा दूसरा है कि ड्रॉप शिपिंग अगर सक्सेसफुल होती अमेजोन की चल रही थी और पाकिस्तान में तकरीबन हज़ार प्लस मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद अभी रिसेंटली पंद्रह बीस दिन पहले हजार महीना पहले हजार था कि दस हजार का फिगर था अमेजोन ने बैन किए हैं पाकिस्तानी वो लोग जो ड्रॉप शिपिंग करते थे उनके अकाउंट्स बंद किए हैं अगर ये सक्सेसफुल होता तो अमेजोन कभी बंद ना करता और अगर इसमें पैसा होता तो अमेजोन कभी बंद ना करता और ये अच्छा मॉडल होता तो अमेजोन कभी बंद ना करता अमेजोन भी ड्रॉप शिपिंग को बंद कर रहा है अकाउंट्स बैन कर रहा है लोगों को करने ही नहीं दे रहा क्योंकि इसमें जो इश्यूज मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं करने दे रहा अब आता हूँ पाकिस्तान में आप ड्रॉप शिपिंग कैसे कर सकते हो मैं इसको रिकमेंड नहीं करता और इसका आपको बताता हूँ क्यों नहीं करता जब हो अब होलसेल और आ, आ, वाइट लेबल कर रहे होंगे उसके बहुत फायदे हैं इसके बहुत नुकसान बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान में एक एप्लीकेशन है मरकज ऐप के नाम से मरकज ऐप क्या करती है कि वो वहाँ उनके उनके पास प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं उनके पास बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स प्रोडक्ट्स हर चीज़ पड़ी हुई है आप उनके प्रोडक्ट्स उनकी पिक्चर्स उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो उनकी एप्लीकेशन के ऊपर जाते हो मैं आपको साथ साथ दिखा देता हूँ मरकज ऐप ये ऐप है ठीक है इसको आप मोबाइल पे भी डाउनलोड कर सकते हो आ, मैं फ़ायदे नुकसान दोनों बता दूंगा आगे मर्जी आप लोगों की अपनी है ठीक है अब ये ये कहते हैं कि जी पैंतालीस हजार रुपये तक कमा सकते हो मुझे नहीं लगता पैंतालीस हजार रुपये तक आप कमा सकते हैं मैं रीज़न बताऊँगा क्यों ठीक है इसका प्रोसेस क्या है इसका प्रोसेस ये कि फ़ायदा क्या है जीरो इन्वेस्टमेंट आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती आप अपने सोशल सर्कल में उस प्रोडक्ट को भेजो और डिलीवरीज के ऊपर अपने जो आपने बेचा है वो प्रोडक्ट अगर डिलीवर हो जाता है तो आपको उस पे आपको उसका कमीशन मिल जाएगा एक लाख प्लस ये कहते हैं हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग कम्युनिटी है ठीक first, है, है आप जाकर यहाँ से बिकम अ सप्लायर आप इन, इनके साथ सप्लायर बन सकते हो और इनके जो सप्लाई भी कर सकते हो और इसको ज्वाइन कर सकते हो इसकी एप्लीकेशन पे जाओगे वहां पे इनका प्रोसेस है बड़ा आसान सा प्रोसेस है आप इनका प्रोसेस जाकर इनके साथ ड्रॉप शिपर ड्रॉप शिपिंग पे काम कर सकते हो लेकिन नुकसान क्या है मैंने आपको अब वो बताना है कि क्यों नहीं करना आपने क्योंकि ये जो मरकज ऐप है ये आपको देती है दस मार्जिन दस मार्जिन का क्या मतलब है कि अगर वो प्रोडक्ट नौ सौ रुपए अगर वो प्रोडक्ट हजार रुपए का मार्केट में बेकर है वो कंपनी खुद हजार रुपए का बेचती है तो वो प्रोडक्ट आपको नौ सौ रुपए का मिलेगा ठीक है सौ रुपए आपका हजार रुपये के पीछे आपको सौ रुपए बचेंगे और कॉमर्स e में आपका मिनिमम मार्जिन कम से कम भी मार्जिन तीस परसेंट होना चाहिए लेट सपोज कोई चीज अगर आप हजार रुपए की बेच रहे हो ना तो वो चीज़ आपको मिनिमम भी सब बहुत महंगी भी आप खरीदो तो आपको सात सौ रुपए में खरीदनी चाहिए तीस परसेंट आपका मार्जिन होना चाहिए क्यों क्योंकि जब आप फेसबुक इंस्टा के ऊपर एड्स रन करते हो ना तो आपका बीस परसेंट पच्चीस परसेंट तो सिर्फ उस एड्स के थ्रू आपको एक सेल आती है फिर क्लियर करता हूँ लेट सपोज मेरे पास मैंने सात सौ रुपए का प्रोडक्ट लेता हूँ उसकी पिक्चर्स उसका सब कुछ तो मुझे मिल जाता है ठीक है या सात सौ रुपये का वो प्रोडक्ट मुझे अगर सात सौ रुपये का पड़ता है ड्रॉप शिपिंग ही कर रहा हूँ तो उनके हजार रुपए के हैं वो मुझे सात सौ में मिलेंगे मेरे पास 300 है। अब तीन सौ रुपए मार्जिन के लिए मैं क्या करूंगा फेसबुक और इंस्टा के ऊपर जब एड रन करूंगा ना तो एक कस्टमर पे प्रोडक्ट बेचने के लिए मुझे दो सौ से ढाई सौ रुपये मेरी कॉस्ट आएगी एक सेल लेकर आने के लिए दो सौ से ढाई सौ कॉस्ट आएगी दो सौ का मतलब यह मेरा बीस परसेंट तो सिर्फ मार्केटिंग बजट पे लग गया पीछे मुझे कितना बचे दस परसेंट बचे जब मुझे दस परसेंट बचते हैं तो सात सौ रुपए का प्रोडक्ट दो सौ रुपए का मेरी मार्केटिंग कॉस्ट आ गई सौ रुपया मुझे तो सौ रुपया मुझे आ, आ, मुझे बच गया तो मैं लाख रुपए की सेल करूंगा तो मुझे अगर हजार रुपए के पीछे सौ रुपया बच रहा है तो दस हजार रुपए के पीछे हजार की सेल करूंगा मार्जिन होगा सत्तर हजार रुपए का प्रोडक्ट मतलब सत्तर हजार रुपया तो वो ड्रॉप शिपिंग वाली कंपनी काट देगी बीस परसेंट मेरी मार्केटिंग की कॉस्ट आ जाएगी बीस हजार रुपए के एड रन होंगे दस हजार रुपये मुझे बचेगा लेकिन एक कंपनी जिस तरह ये मर्कज ऐप है ये आपको देती ही दस परसेंट मार्जिन है क्या आप लाख रुपए की सेल करोगे नब्बे रुपया मर्कज ऐप ले लेगी दस हजार रुपया पच्चीस हजार सेल्स लाने के लिए आपके पच्चीस हजार रुपए लग गए तो ये तो आप पंद्रह हजार रुपए नुकसान के ऊपर जा रहे हो ड्रॉप शिपिंग में ठीक है इनका जो मॉडल है वो ये दस परसेंट ये सेलर को देते हैं जो सेल करके देगा उसको दस मार्जिन होता है पच्चीस परसेंट ये चार्ज करते हैं उस बंदे से या उस ब्रांड से लेट सपोज लाइशा है मेरा ब्रांड है और मैं मरकज ऐप के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स रखता हूँ तो ये मुझे मेरा अगर हजार रुपए का प्रोडक्ट है तो मुझसे मुझे ये उस हजार रुपए के प्रोडक्ट के बेचने के साढ़े सात सौ रुपया देंगे पंद्रह डेढ़ सौ रुपया ये खुद रख लेंगे सौ रुपया ये आपको देंगे क्योंकि आपने मेरा प्रोडक्ट बेचा है लेकिन उसमें नुकसान ये है कि जिसने बेचना है उसको पीछे कुछ नहीं बचना हजार रुपए के पीछे अगर आपको सौ रुपये बच रहा है ना तो सौ रुपए दो सौ रुपया तो आपकी कॉस्ट आ जाती है उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए इसी वजह से अगर आप इनकी स्लाइड पे जाएं आप इनकी वेबसाइट पे जाएं तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि आप सेल योर ये जो सेकंड लाइन है सेल इन योर सोशल सर्कल ये ये नहीं कह रहे कि भाई आप एड्स रन करें और एड्स के थ्रू सेल करें ये कह रहे अपने सोशल सर्कल में आपके जो दोस्त रहे हैं आप फेसबुक इंस्टा के ऊपर जाओ व्हाट्सएप के ऊपर लोगों को मैसेज करो उसके थ्रू बेचो अपने एड्स और अपने एड्स के थ्रू अगर बेचोगे या उनके ऊपर बेचोगे उसमें मार्जिन ही नहीं बचता आपको आप सेल ही नहीं कर सकोगे ठीक है तो मरकज ऐप इस वजह से मैं मैंने लिख दिया है मुझे पता था ये जिस तरह जिस बच्चे पे मैंने गुस्सा किया मुझे पता था कि सबसे पहले लोग क्वेश्चन करेंगे सर कहाँ से बिकता है मैं तो सबसे पहले वो वेबसाइट ओपन करूँ वो एप्लीकेशन ओपन करूँ से पिक्चर्स और उसको तो बेचना स्टार्ट करूँ किसी ने ये नहीं बड़े आ, आ, क्या कहते हैं उसको उतावले मेरे स्टूडेंट्स हैं किसी ने ये नहीं पूछना मुझसे कि भाई फायदा भी है नुकसान है करना चाहिए नहीं करना चाहिए उस पर फोकस नहीं करना बस ई कॉमर्स करना है बेशक नुकसान में हो कुछ भी हो हमने करना है तो मरकज ऐप का फायदा नहीं है ठीक है उसके अलावा एक तो ये काम आ गया कि जी हमने मरकज ऐप आप मैंने आपको बता दी दूसरा को ढूंढने का दूसरा ये तरीका है कि आपने क्या करना है अगर आप आप अपनी मर्जी की सेलिंग प्राइस तो रख सकते हो ठीक है लेट सपोज लाइशा है मैं हजार रुपये का एक प्रोडक्ट बेचता हूँ एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि जी आप अपनी मर्जी की सेलिंग प्राइस रख लो लेकिन लेट सपोज लाइशा है मेरे प्रोडक्ट्स हैं मेरी वेबसाइट के ऊपर वो प्रोडक्ट हजार रुपए का है दराज के ऊपर वो प्रोडक्ट हजार रुपये का है गूगल के ऊपर वो प्रोडक्ट हजार रुपये का है हर जगह पे वो प्रोडक्ट हजार रुपये का है आप जब बारह सौ रुपये का मेरा वाला प्रोडक्ट बेचोगे दो सौ रुपये ऊपर रखकर बेचोगे तो आपकी सेल्स नहीं आनी आएंगी भी तो आपकी जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो और बढ़ जाएगी जो मैंने कहा ना कि बीस परसेंट मार्केटिंग कॉस्ट बनती है तो आपकी मार्केटिंग कॉस्ट और बढ़ेगी अगर सौ बंदा वो प्रोडक्ट लेना चाह रहा था तो आपकी प्राइस हाई है तो उसमें से पचास बंदा वो प्रोडक्ट लेगा एक बंदे को कन्वर्ट करने पर आपकी मार्केटिंग और यूज हो जाएगी तो... तो फायदा नहीं है ठीक है प्राइस ज्यादा करके चीज बेचने का कोई फायदा नहीं है तो ना वो बिकनी है इस तरह तो तो अगर आपने करना है तो आपने कंपिटिटिव प्राइस ही रखनी है जो वो जिस प्राइस पे वो मार्केट में अवेलेबल है उसी प्राइस के ऊपर आपने सेल करना है तब आपके पास सेल्स सेल्स आएंगी प्राइस ऊपर कर लोगे फिर तो आप हायर का एसी उठाओ वो हायर चौहत्तर हजार रुपये का बेच हो आप अस्सी हजार रुपए का बेच दो किसने लेना है आपका जब कंपनी खुद चौहत्तर हजार रुपए का बेच रही तो कहने का मकसद ये था कि ड्रॉप शिपिंग पे में था अब ड्रॉप शिपिंग अगर किसी ने करनी है तो और वो मार्जिन अच्छा लेना चाह रहे हैं ना तो उसके लिए पाकिस्तान में आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा कैसे जुगाड़ लगाना पड़ेगा अब जुगाड़ में आपको समझाता हूँ कि आप ये चाहते हो कि जी मैं अगर किसी के साथ ड्रॉप शिपिंग भी करूँ ना तो वो मुझे तीस परसेंट मार्जिन दे या वो पच्चीस परसेंट मार्जिन दे मुझे तीस परसेंट मार्जिन दे ताकि बीस परसेंट पंद्रह परसेंट बीस परसेंट पच्चीस परसेंट मार्जिन दे ताकि मुझे इसमें कुछ बच सके मुझे कोई प्रॉफिट हो सके इसमें अगर मैं किसी एप्लीकेशन के साथ काम करूंगा पंद्रह तो वो अपना मार्जिन रख रहा है आपको वो सिर्फ दस दे रहा है तो आपको फायदा नहीं हो सकता तो आपने करना ये है कि आपने जाना है एक आपने जाना है मैं स्क्रीन ओपन कर दो आप जाओ फेसबुक पे वहां पे जाकर लिखो लेट सपोज ड्रॉप शिपिंग इन पाकिस्तान ड्रॉप शिपिंग इन पाकिस्तान डिफरेंट ग्रुपल ड्रॉप मेरी, ला, मेरी लाइफ भी सामने आ गई है उसी में ही ठीक है अच्छा उसमें ड्रॉप शिपिंग इन पाकिस्तान ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर या आप डिफरेंट ग्रुप ज्वाइन करोगे डिफरेंट लोगों जो जो लोग आ रहे हैं शॉप शिपिंग ये वो उनके जाकर खासतौर पे लोकल वाले ढूंढना ताकि आपका ये हो और ये खासतौर पे पर स्क्रीन शॉट हो उन से तो मिलो दूर भागना है आपने ठीक है से मिलो दूर, दूर भागना है जहां वो समझ लो ये रेड फ्लैग है रेड फ्लैग से हमने दूर भागना है जो सही काम कर रहे होते हैं ना वो स्क्रीन नहीं लगाते जहां पे दो नंबरी होती है वहां पे स्क्रीन आ जाते हैं ठीक है तो आपने डिफरेंट ग्रुप्स जाकर देखने उन ग्रुप्स के ग्रुप जाकर देखो उसमें जाकर देखो क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं कितना वो है सप्लायर्स भी होंगे जिसको जो मैन्युफैक्चर होगा वो भी होगा वहाँ पे डिफरेंट लोग होंगे जो डिफरेंट लोग होंगे उनको आपने कांटेक्ट करना है क्या प्रोडक्ट्स उसके पास पड़े हैं कैसे है क्या है थोड़ा सा आप कर रिसर्च करनी है आपने ड्रॉप शिपिंग के ऊपर इन ग्रुप में जाना है रिसर्च करनी है क्या प्रोडक्ट्स है कौन सप्लायर है क्या बेच रहा है कितना मार्जिन दे रहा है खुद उसकी वेबसाइट पे वो प्रोडक्ट कितने का अवेलेबल है इन सारी चीजों को आपने जाकर देख लेना है और दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने अली एक्सप्रेस का एक मॉडल है ड्रॉप शिपिंग का मैं अभी आपके सामने वो वेबसाइट ओपन करता हूँ ड्रॉप शिपिंग की इस पे जाना और इस पे जाकर आपने चेक कर लेना इसके भी फायदे और इसके भी नुकसान में आपको बता देता हूँ कि वो क्या है कैसे है और यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे और बहुत तगड़े प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे ये है अली ड्रॉपशिप के नाम से ठीक है पूरी दुनिया में भी यही यूज होती है और आ, मतलब अगर आपने यू में भी करनी है यूके में भी करनी है ऑस्ट्रेलिया में भी करनी है ये पाकिस्तान में वाली मैंने ओपन की हुई है अली ड्रॉप शिपिंग यूएसए अगर आप लिखोगे तो यू वाली ओपन हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया वाली ओपन हो जाएगी तो ऑस्ट्रेलिया लिखोगे ऑस्ट्रेलिया वाली ओपन हो जाएगी ये सिर्फ है पाकिस्तान के लिए ये लिखा हुआ हाउ टू स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग इन पाकिस्तान ठीक है गेट फ्री गाइड इनकी गेट फ्री गाइड पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये इनकी गाइड है जिसमें पच्चीस निशेस के आइडियाज इन्होंने पूरे डाले हुए हैं कि क्या निशेस कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं क्या सब कुछ है वो गाइड मंगवाओ वो गाइड पूरी की पूरी पढ़ लो उसके बाद ये काम कैसे करती है ये सारा इन्होंने मेथड लिखा हुआ है कि आपने सबसे पहले सप्लायर ढूंढना है अली इसी अली, अली ड्रॉपशिप के ऊपर उसके बाद आपने सप्लायर से जो है वो प्राइस ले लेनी है लेट सपोज अगर वो वही जो मैंने बात की सात सौ रुपए का प्रोडक्ट अगर आपको पड़ रहा है आपने उससे पहले प्राइस ले लेनी है कि वो प्रोडक्ट कितने का है उसकी प्राइसिंग क्या है ये सारी डिटेल आपने ले ली उसके बाद आप क्या करते हो कि वो लेकर उसकी पिक्चर्स पिक्चर्स लेते हो उसका डेटा लेते हो उसकी सारी चीजें लेते हो अपनी वेबसाइट पे लगाते हो इंस्टा पे लगाते हो फेसबुक पे लगाते हो उस प्रोडक्ट को बेच लेते हो जैसे ही प्रोडक्ट को बेचते हो तो आपने कस्टमर से पैसे पहले लेने अगर पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग करनी है तो दोनों कर सकते हो सी भी कर सकते हो लेकिन पैसे पहले लोगे क्योंकि आपने अपना जो वेंडर होगा जिसकी वो पिक्चर्स और जिसका वो प्रोडक्ट था आपने उसको चाइना में पेमेंट करनी है तब वो आपकी जगह डिलीवर करवाएगा तो आपके पास ऑर्डर आता है आप उस ऑर्डर के पैसे लेते हो उसके बाद आप उसको आ, ये ये लिखा हुआ है रिसीव डायरेक्ट पेमेंट फ्रॉम कस्टमर हु बाय फ्रॉम योर वेबसाइट जिसने आपकी वेबसाइट के थ्रू वो प्रोडक्ट बाय किया उससे डायरेक्टली पेमेंट लो पेमेंट लेकर आपने वो पेमेंट जो होती है वो अपने सप्लायर को भेज देनी होती है और वो प्राइस लेट सपोज आपने सात सौ रुपए पे लेना था और वो प्रोडक्ट आपने पंद्रह सौ रुपये का बेचा या बारह सौ रुपये का बेचा है तो आपने अपना मार्जिन अपने पास रखना है वो सात सौ रुपए उसको भेजने है कि भाई ये सात सौ रुपए आ चुके हैं आप ये वाला प्रोडक्ट अब इसको डिलीवर कर दो ये उसका एड्रेस है ये उसका मोबाइल नंबर है ये सब कुछ है वो आप वो प्रोडक्ट लेकर आपकी जगह डिलीवर कर देगा ठीक है ये लिखा हुआ डोंट डू नथिंग बस आपने सिर्फ ऑर्डर लेकर आना है पेमेंट लेनी है और अपना मार्जिन अपने पास रखना है वो पेमेंट आ, वेंडर को देनी है इसी अली बाबा अली ड्रॉपशिप के थ्रू वो आपकी जगह प्रोडक्ट एक जब उसको पेमेंट आएगी वो आपकी जगह डिलीवर भी करवा देगा वो आपकी जगह पैक भी करेगा उस प्रोडक्ट को सब कुछ करके आपकी जगह डिलीवर करवा देगा ठीक है तो लेकिन अब इसमें सिर्फ एक इशू जो आता है पाकिस्तान में अली एक्सप्रेस के थ्रू ड्रॉपशिप करने का वो ये आता है कि पाकिस्तान में लेट सपोज आप ऑर्डर जनरेट करते हो ना तो कम से कम पच्चीस पंद्रह से बीस दिन में वो ऑर्डर डिलीवर होगा मिनी सात दिन तो मिनिमम है सात दिन इनका एक ए, फास्टेस्ट डिलीवरी वाला जो सिस्टम है उसके थ्रू मिनिमम मिनिमम बहुत कम दिन भी लगेंगे वो सात से दस दिन मिनिमम लगेंगे आपके दस से पंद्रह दिन बीस दिन लग जाते हैं एक ऑर्डर को डिलीवर करवाने में चाइना से पाकिस्तान में जब उसके बीस दिन लगते हैं ना तो उस बीस दिन के अंदर कस्टमर को सिर्फ एक इशू आएगा कि आपने कस्टमर को पहले बताना है कि ये प्रोडक्ट आपको ये प्रोडक्ट आपको पंद्रह से बीस दिन में मिलेगा या बीस दिन में मिलेगा बीस दिन से पहले डिलीवर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम चाइना से डिलीवर करवाते हैं या हमारा वेयर हाउस चाइना में या हम चाइनीस कंपनी है या हम चाइना से काम करते हैं

कि कभी मैंने आपको बता दिया अली एक्सप्रेस पे आपने जाना है पूरा सारा आपने सिस्टम समझना है क्या है कैसे है कैसे ड्रॉपशिप करना है लेकिन इसमें फायदा नहीं है ड्रॉपशिपिंग में नहीं कहता कि करनी चाहिए जो करना चाहिए वो टॉपिक आज का अभी आया होल सेल मॉडल होलसेल मॉडल क्या होता है बड़ा मजदार मॉडल होता है इसमें आप क्या करते हो कि आप पंद्रह पंद्रह बीस बीस दर्जन दर्जन पीसेस बीस बीस पीसेस पच्चीस पच्चीस पीसेस ये आप मंगवाते हो किसी भी प्रोडक्ट के लेट सपोज ये मैं सिर्फ आपको अभी मॉडल की डेफिनेशन बता रहा हूँ कि मॉडल होता क्या है इस मॉडल mod, हर मॉडल को हम आगे एग्जीक्यूट करेंगे प्रॉपरली अगली ट्रेनिंग्स में किसको हमने होलसेल को आगे एग्जीक्यूट कैसे करना है सिर्फ अभी आप आपने सुनना है कि होलसेल होता क्या है होलसेल में आप क्या करते हो कि कुछ प्रोडक्ट्स आप तीस तीस चालीस चालीस पीसेस होलसेल प्राइस पे लेते हो मैन्युफैक्चरर से अपने पास वो प्रोडक्ट ले लेकर अपने पास घर पे या वेयर हाउस में रखते हो और वहां से अपने वेयर हाउस पे वो प्रोडक्ट्स ले आते हो लेट सपोज मैंने यही केसेस लिए ये केसेस ये मोबाइल केसेस हैं मैं ये बेचना चाह रहा हूँ तो मैंने अली बाबा से या लोकल मार्केट से ये बीस बीस पीसेस पच्चीस पीसेस या तीस पीसेस लिए उन प्रोडक्ट को लाकर अपने पास घर पे रखा या वेयर हाउस में रखा वेबसाइट पे इसकी फोटोग्राफी और इसकी पिक्चर्स और इसकी वीडियो बनाई वेबसाइट पे डाल दी फेसबुक के ऊपर इसके एड्स चलाए इंस्टा के ऊपर इसके एड्स चलाए मेरे पास ऑर्डर आए इस प्रोडक्ट को मैंने खुद ही पैक करना है जब पैक किया मेरे घर में डिलीवरी वाला बंदा आएगा वो मेरी जगह प्रोडक्ट मेरे वेयर हाउस से प्रोडक्ट उठाएगा पूरे पाकिस्तान में वो ऑर्डर डिलीवर करेगा और तीन से चार दिनों के बाद डिलीवरी के बाद मेरे अकाउंट में मेरे पैसे डाल देगा तो होलसेल भी प्रोडक्ट रिलेटेड होता है इसमें सिर्फ ये होता है कि ड्रॉपशिपिंग में आप प्रोडक्ट नहीं करते आप पैक नहीं करते आप कुछ भी नहीं करते इसमें प्रोडक्ट आपने पंद्रह पंद्रह बीस बीस पीसेस तीस तीस पीसेस सौ सौ पीसेस प्रोडक्ट अपने पास रखने होते हैं लेने होते हैं रखने होते हैं उसके बाद आप उसको बेचते हो खुद पैक करते हो डिलीवर करवाते हो और अपने अकाउंट में पैसे मंगवा लेते हो तो इसको भी हम कम्प्लीटली होल सेल को भी आगे कम्पलीटली डिस्कस करेंगे कि होलसेल क्या है सिर्फ प्रोज एंड फायदे और नुकसान आपको बता देता हूँ लेकिन ये होता कैसे ये हम आगे डिस्कस करेंगे होलसेल के फायदे ये हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें भी लगती है एक क्यों मिनिमम लगती है वाइट लेवल और प्राइवेट लेवल में बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा इसमें कम लगते हैं अच्छा इसमें इन्वेस्टमेंट मिनिमम होती है रिस्क भी बहुत कम होता है आप बहुत ज्यादा मतलब आप पांच छः सात आठ प्रोडक्ट्स छः-छः पीसेस, दस दस पीसेस मंगवाओ सात आठ प्रोडक्ट्स को एक साथ टेस्ट करो उसमें से जो आपका सबसे ज्यादा बेकर है उसको स्केल कर दो जो नहीं बेकर उसको खत्म कर दो तो आ, रिस्क का बड़ा काम होता है इन्वेस्टमेंट बड़ी काम होती है आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स को इस, इसमें टेस्ट कर सकते हो ठीक है उसके बाद आप क्या करते हो कि इसमें जब आपकी एक्सपर्टीज हो जाती है वाइट लेवल पे या ई e कॉमर्स पे जब आपकी एक्सपर्टीज हो जाती है जब आपको पता होता है कि यार अच्छा पाकिस्तान में ये प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है इस तरह की नीच ज्यादा बिक रही है या ये, ये चीज ज्यादा बिक रहा है और उस तरह का प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है तो फिर आप क्या करते हो कि व्हाइट लेवल और प्राइवेट लेवल पे चले जाते हो जब आप होलसेल कंप्लीट कर लेते हो आपकी ग्रिप आ जाती है बेचना आ जाता है कंटेंट बनाना आ जाता है सेल्स आ जाती हैं सब कुछ जब आपको आ जाता है तो आप वाइट uh, लेवल और प्राइवेट लेवल की तरफ मूव कर जाते हो पचास हजार रुपये से भी स्टार्ट किया जा सकता है होलसेल एक लाख रुपए से भी किया जा सकता है डिपेंड करता है कि आप कितने ज्यादा प्रोडक्ट्स मंगवाते हो कितना कितने ज्यादा प्रोडक्ट्स का स्टोर लॉन्च करते हो ये हम आगे स्टोर लॉन्च करेंगे तो उस पर टेंशन नहीं लेनी कि होलसेल पे स्टोर कैसे लॉन्च होता है और प्रोडक्ट कितने ज्यादा कैसे होते हैं और उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए उसमें प्रॉफिट कितना होना चाहिए ये सब कुछ हम आगे वाली स्लाइड्स पे कवर करेंगे आगे ट्रेनिंग में कवर करेंगे सिर्फ फायदे बता रहा था नुकसान क्या है कि इससे आपकी ब्रांड आइडेंटिटी नहीं बनती एक चीज याद रखो कि पाकिस्तान में जो वाइट लेबल केकर बेचा जाता है ना जितने भी लोग वाइट लेबल केकर बेचते हैं वो व्हाइट लेबल प्रोडक्ट नहीं होता वो होल प्रोडक्ट होता है ये चाइना से होल में पांच सौ पीसेस हजार पीसेस मंगवाते हैं आगे लोग दुकानों को दुकानदारों को भी बेच देते हैं और ऑनलाइन भी बेचते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट नहीं होती ब्रांड आइडेंटिटी कैसे जिस तरह सेंट एंड स्टोरीज है वो अपना प्रोडक्ट खुद अपने नाम से अपना प्रोडक्ट बेचते हैं उनका प्रोडक्ट का नाम ही सेंटेंस स्टोरीज है लेकिन कोई भी स्टोर है लेट सपोज एक्स वाई जी स्टोर है वो होलसेल में की चेने भी बेच रहा है वो लॉक ज्वेलरी भी बेच रहा है सब कुछ बेच रहा है और विदाउट एनी अपना नाम अपना पैकेजिंग अपनी टी सी की पैकेजिंग कुछ भी किए बगैर वो बेचता है तो उसके ब्रांड का नाम मार्केट में नहीं जाता

पाकिस्तान में ये जो ढाबे होते हैं या ये जो दुकानें होती हैं जिस दुकान के ऊपर आपको हर प्रोडक्ट पेप्सी को हर चीज मिल जाती है उस दुकान का नाम आपको थोड़ा ही याद होता है कि यार थी। है? तो तो होलसेल में यह कि आपका ब्रांड क्रिएट नहीं होता आपका ब्रांड बड़ा नहीं होता लोगों को आपका ब्रांड का नाम याद नहीं होता क्योंकि आप आप अपने ब्रांड का प्रोडक्ट नहीं बेच रहे आप होल सेल में डिफरेंट प्रोडक्ट बेच रहे हो दूसरा उसमें यह है कि आप डिपेंडेंट होते हो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के ऊपर इसका क्या मतलब है लेट सपोज मैंने होल सेल में ये पचास पीसेज उठाए मैंने ये बेचना स्टार्ट किए मेरे पचास पीसेस बिक के अब मैं दोबारा ये पचास सौ पीसेस और लेना चाह रहा हूँ लेकिन क्या पता वो पीसेस खत्म हो जाए ये डिजाइन ही खत्म हो जाए ये प्रोडक्ट मार्केट से ना मिले ठीक है तो आप डिपेंडेंट होते हो वो जो प्रोडक्ट उस मैन्युफेक्चर के ऊपर कि वो ये प्रोडक्ट और बनाएगा अगर आपको ऑर्डर्स और ज्यादा चाहिए प्रोडक्ट प्रोडक्ट तो ये फिर आपको अवेलेबल होगा या नहीं होगा तो आप डिपेंडेंट होते हो जिसका ये प्रोडक्ट होता है उस मैन्युफेक्चर के ऊपर ठीक है मार्केटिंग करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है पाकिस्तान में हो जाती है होलसेल बहुत बहुत, बहुत पाकिस्तान में बिकता ही होलसेल पे प्रोडक्ट ज्यादातर लोग बेच ही होलसेल प्रोडक्ट रहे हैं उसके बाद तीसरा और इम्पॉर्टेंट चौथा जो पॉइंट है ये सबसे इम्पोर्टेंट है ये सेम प्रोडक्ट जो होगा आपको बहुत ज्यादा लोग बेचते हुए नजर आएंगे ऐसा नहीं है कि ये जो ये वाला जो केस होगा ये वाला जो प्रोडक्ट होगा वो सिर्फ मैं बेच रहा ठीक है ये प्रोडक्ट मैं भी बेच रहा हूँ दूसरा भी बेच रहा होगा तीसरा भी बेच रहा होगा चौथा भी बेच रहा होगा डिफरेंट लोग वो प्रोडक्ट बेच रहे होंगे जब डिफरेंट लोग वो प्रोडक्ट बेच रहे होंगे तो उसमें क्या होगा कि वही जो बात मैंने आपको लास्ट लेक्चर टू में बताई थी फिर बात आ जाती है होलसेल में कि सबसे सस्ता कौन बेच रहा होगा ये सेम अगर मोबाइल केस है मैं का बेच रहा हूँ बारह सौ का बेच रहा है तो ग्यारह सौ वाले से ऑर्डर ले भी करेगा और ग्यारह सौ वाले का ऑर्डर ले लेगा ले मेरा ऑर्डर वो नहीं लेगा तो होलसेल में इशू ये आता है कि आपका जो आ, आ, एक सप्लाई चेन का इशू दूसरा आपका जो इशू आता है कि वो सेम प्रोडक्ट के 10-15 स्टोर्स ऑलरेडी वो प्रोडक्ट रन कर रहे होंगे वो 15-20 स्टोर ऑलरेडी चला रहे होंगे या आप बेशक पहली दफा वो प्रोडक्ट पिक कर लो आप सबसे पहले बेच रहे हो अगर वो आपका पिक्र होगा ना तो बकाया लोग भी वो प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे तो होलसेल पे सिर्फ ये मॉडल आता है कि वो चीज सिर्फ आपकी नहीं रहती डिफरेंट लोगल के ऊपर होलसेल को बड़े अच्छे लेवल पे लॉन्च करके बेच सकते हो और बड़ा अच्छा कमा भी सकते हो वो टिप्स एंड ट्रिक्स अगली क्लास में, में बताऊंगा की कैसे होलसेल को लॉन्च करना है और कैसे होलसेल को चलाना है इन्वेंट्री और कैपिटल रिस्क इन्वेंट्री भी होती है और रिस्क कैपिटल रिस्क का ये मतलब बीस है पच्चीस प्रोडक्ट्स आप ले लेते हो दर्जन दर्जन रखे हुए हैं कुछ प्रोडक्ट्स बिके हैं कुछ प्रोडक्ट्स नहीं बिके उनकी इन्वेंट्री आपके पास बैक एंड पे पड़ी रहती है तो ये रिस्क इसमें अवेलेबल है अच्छा आप uh, कैसे होलसेल के ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स को ढूंढ सकते हो आप डायरेक्टली इस स्लाइड को मैं अभी नहीं बताता आगे जब पूरी ट्रेनिंग आएगी ना उसमें समझाऊंगा अभी आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगी वाइट लेबल क्या होता है वाइट लेबल ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर जब मैं अपना नाम लिख लेता हूँ वो वाइट लेबल होता है ये प्रोडक्ट है मैनुफेक्चर ने यह प्रोडक्ट बनाया मैं मैनुफेक्चर को कॉन्टेक्ट करता हूँ और उसको कहता हूँ इसके ऊपर मुझे लाइशा लिख के दे दो इसके ऊपर मुझे एक्स वाई जी का लोगो बनाकर दे दो इसके जो पैकेजिंग है उसके ऊपर भी मुझे एक्स वाई जी लिख कर दे दो वो मेरे इस प्रोडक्ट के ऊपर भी मेरा नाम लिख लेता है इसके डब्बे के ऊपर भी मेरा नाम लिख लेता है जब वो ये काम करता है जब वो ये काम करता है तो आपका जो प्रोडक्ट होता है वो वाइट लेबल प्रोडक्ट हो जाता है ठीक है आपका जो प्रोडक्ट होता है वो वाइट लेबल में कन्वर्ट हो जाता है आप अब व्हाइट लेबल की सबसे बड़ी एग्जांपल दूं आपको तो व्हाइट लेबल की सबसे बड़ी एग्जांपल जो पाकिस्तान में, में मेरा फेवरेट स्टोर है वाइट लेबल में वो डायवर्सिटी डॉट पी के डॉट क्या करता है कि वो आपके लैपटॉप के मैट सेल करता है लेकिन वो लैपटॉप के मैट्स भी अपने नाम से सेल करता है उसके प्रोडक्ट के ऊपर भी नाम लिखा होता है उसके डब्बे के ऊपर भी नाम लिखा होता है उसकी वेबसाइट पे भी जाओ हर प्रोडक्ट उनके नाम से अवेलेबल होता है ठीक है तो आप जो प्रोडक्ट हैं वो आप जब अपने नाम से बेचते हो पूरी दुनिया में मेंचर बैठे हुए हैं पाकिस्तान में भी मैनुफेक्चर बैठे हुए हैं एग्जाम्पल देता हूँ कौन मैन्युफेक्चर बैठा हुआ है पाकिस्तान में भी मैनुफेक्चर बैठा हुआ है जो जिस तरह कपड़े का मैन्युफेक्चर है वो क्या करता है कि वो आप फैसलाबाद जाओ तो आप उसके पास डिफरेंट कपड़े के डिजाइन पड़े हुए होते हैं आप उसको कहते हो यार ये इस कपड़े के ऊपर मेरा नाम लिख कर दे दो इसके डब्बे के ऊपर भी मेरा नाम लिख कर दे दो वो सेम कपड़ा सेम डिज़ाइन के प्रोडक्ट्स रख के बैठा होता है आप हर आप जाते हो तो आपको उस कपड़े के ऊपर आप, आपका नाम और आपका डब्बा और वो सारा कुछ बनाकर वो प्रोडक्ट आपको पकड़ा देता है इसी तरह चाइना में पाकिस्तान में हर जगह पे वो अवेलेबल है हम आगे जाके व्हाइट लेबल ई कॉमर्स करेंगे कि e की जाती है। से करनी है और पाकिस्तान से कैसे करनी है हम इसको कवर कर लेंगे ठीक है फायदे को क्या है और नुकसान क्या है फायदा क्या है कि वाइट लेबल का वाइट लेबल का फायदा यह है कि आपका अपना ब्रांड बन जाता है जिस डाइवर्सिटी डॉट पी के लोग डायवर्सिटी डॉट पी के पे आप ट्रस्ट करते हैं डायवर्सिटी डॉट पी के कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करता है लोग उसको ट्रस्ट के थ्रू खरीदते हैं कि भाई इनका प्रोडक्ट है टॉप नॉट क्वाल टॉप नॉच क्वालिटी होगी प्रोडक्ट अच्छा होगा जबरदस्त प्रोडक्ट होगा हम ये प्रोडक्ट खरीद लेते हैं ठीक है वो बगैर किसी टेंशन के महंगा होता है कस्टमर को पता होता है यार यही सेम प्रोडक्ट दराज पे हज़ार रुपए का पड़ा हुआ है लेकिन डायवर्सिटी ये प्रोडक्ट पच्चीस सौ रुपए का दे रहा है लेकिन उसके बावजूद वो उसकी प्रीमियम प्राइस पे करते हैं ठीक है तो अः एक फायदा आपको यह होता है कि आपको वो प्रोडक्ट डिजाइन नहीं करना पड़ता आपको वो प्रोडक्ट जो है वाइट लेवल का फायदा ये होता है कि आपको प्रोडक्ट डिजाइन नहीं करना पड़ता उसकी यूएसपीज नहीं बनानी पड़ती उसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता एक कंपनी जिसने वो प्रोडक्ट बना दिया है उसकी यूएसपी उसका सब कुछ बना दिया उस वो प्रोडक्ट अपने पास बनाकर रख देता है उसके पास कंपनीज आती जाती है उनका नाम लगाकर उनको प्रोडक्ट देता रहता है नहीं ये पीएल नहीं होता मैं आपको बताता हूँ पीएल क्या होता है पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं वो वाइट लेबल को वो वाइट लेबल को आ, आ, होल सेल मॉडल को वाइट लेबल कहते हैं और ये जो मॉडल है वाइट लेबल इसको वो कहते हैं कि ये पीएल होता है ये पीएल नहीं होता ये वाइट लेबल होता है पीएल में डिफरेंट क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा कि पीएल प्राइवेट लेबल क्या होता है लेकिन ये वाइट लेबल होता है वाइट लेबल की आप गूगल पे भी जाकर डेफिनेशन पढ़ोगे आपको वाइट लेबल डेफिनेशन अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय वन कंपनी ये देखें ये लिखा हुआ अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय वन कंपनी के अंदर गया एक कंपनी अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय वन कंपनी देन पैकेज एंड सोल्ड बाय अदर कंपनीज अंडर वेरियस ब्रांड नेम ठीक है एक कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया और दूसरी कंपनीज जो ने उसको अपना लोगो अपनी पैकेजिंग अपना लोगो दिया अपनी पैकेजिंग के ऊपर अपना लोगो दिया उसने कंपनी ने क्या किया कि उसके ऊपर जब उस ब्रांड का नाम और लोगो लगाकर उस ब्रांड को दे दिया कि भाई ये लो तुम्हारा प्रोडक्ट रेडी है ये व्हाइट लेबल होता है वाइट लेबल आर सोल्ड बाई रिटेलर ये देखें ये नीचे वाली लाइन आप गौर से पढ़े वाइट लेबल आर सोल्ड बाई रिटेलर विद ओन ब्रांडिंग एंड लोगो प्रोडक्ट के ऊपर जब आपका अपनी ब्रांडिंग और अपना लोगो आ जाता है वो वाइट लेबल होता है पाकिस्तान में जितने भी बड़े मैंटोज हैं या जितने भी बड़े आ, आ, ट्रेनर्स हैं या गुरुज हैं वो वाइट लेबल को होल को वाइट लेवल करके बेचते हैं और वाइट लेवल प्रोडक्ट्स को प्राइवेट लेवल करके बेचते हैं हालांकि ये वाइट लेबल होता है जिसमें आपका बने बनाए प्रोडक्ट के ऊपर जब आप लोगो लगा लेते हो वो वाइट लेवल होता है ठीक है तो वाइट लेबल ये हो गया वाइट लेबल का एक फायदा मैंने आपको बता दिया कि इसमें आपका टाइम प्रोडक्ट बनाने पे इन्वेस्ट नहीं होता उसके इनग्रीडियंट्स बनाने पे इन्वेस्ट नहीं होता उसकी, उसकी फैक्ट्री लगाने पे इन्वेस्ट नहीं होता आपको बना बनाया मार्केट मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर से मिलता है आप उसके ऊपर अपना लोगो लगवाते हो अपना डब्बा डब्बे के ऊपर अपना लोगो लगवाते हो अपनी ब्रांडिंग करवाते हो उससे प्रोडक्ट ले लेते हो और मार्केट में अपने नाम से सेल करते हो तो वो आता है वाइट लेबल ब्रांड ठीक है प्राइवेट लेवल क्या होता है प्राइवेट लेवल ये होता है कि जब कोई प्रोडक्ट आप खुद डिजाइन करते हो ठीक है लाइशा है जिस तरह हम हमारे लाइशा है तो उसकी लाइश हम खुद डिजाइन करते हैं उसकी यूएसपी हम खुद बनाते हैं जब आप कोई प्रोडक्ट डिजाइन करते हो तो वो डिजाइन करके फिर आप मैन्युफेक्चर के पास जाते हो कि ये मेरा डिजाइन प्रोडक्ट है मुझे इसको मैन्युफैक्चर करके दो वो मैन्युफैक्चर आपको वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके देता है और फिर आपको पैकेजिंग और आपका प्रोडक्ट जब आपके लिए वो बनाता है और आपको दे देता है तो वो प्राइवेट लेबल मॉडल में आता है यूएसपी होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट ये पिछली क्लास में भी मैंने कंप्लीट बताया था तो प्राइवेट लेबल आसान है इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है कि जिस कोई भी प्रोडक्ट लेट्स ये मोबाइल केसेस हैं ठीक है मोबाइल कवर है? है मैं एक मोबाइल कवर डिजाइन खुद डिजाइन करता हूँ उसकी जी उसकी अच्छा इधर मेटल लगी होगी इसके बैक के ऊपर इस तरह का डिजाइन होगा उसके ऊपर लेट्स उस सपोज कैमरे वाली जगह पे ये होगा उसके इधर से मैं कोई चीज खींचूंगा तो ये निकल आएगा को नॉर्मल भी डिजाइन करता हूँ मैं सिर्फ और कुछ भी नहीं करता मैं सिर्फ इसकी बैग भी खुद डिजाइन करता हूँ मैनुफेक्चर के पास जाता हूँ उसको कहता हूँ ये प्रोडक्ट मुझे मैनुफेक्चर करके दो वो मेरे वाला डिजाइन जब मुझे मैनुफेक्चर करके देता है तो वो प्राइवेट लेवल में आता है तो मैं पाकिस्तान में प्राइवेट लेबल कर रहा हूँ वाइट लेबल नहीं कर रहा तो प्राइवेट लेबल में क्या होता है जब आप कोई डिजाइन करते हो कोई प्रोडक्ट कोई बने बनाए प्रोडक्ट ये बना बनाया प्रोडक्ट है मतलब ये पाकिस्तान में कवर्स अवेलेबल है हर चीज़ है कवर्स में इस बने बनाए प्रोडक्ट में मैं थोड़ी सी एडिशन करता हूँ कोई नई इनोवेशन लेकर आता हूँ कोई चीज चेंज करता हूँ फिर या खुद मैन्युफैक्चर करूं या मैनुफेक्चर के पास चला जाऊं कि ये मुझे चीज बनाकर दे दो वो मुझे बनाकर दे दे तो उसको प्राइवेट लेबल कहते हैं ठीक है थीके? यार आज की जो स्लाइड थी ना ये थोड़ी सी ट्रिकी थी थोड़ा सा ऐसा नॉलेज था कि जो आपको के लिए बिल्कुल नया होगा थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगा होगा कुछ बच्चों के लिए बोर भी लगा होगा लेकिन ये चार मॉडल्स आपको समझाने जरूरी थे कि ड्रॉप शिपिंग क्या होता है वाइट लेबल होलसेल क्या होता है वाइट लेबल क्या होता है प्राइवेट लेबल क्या होता है चीज समझ नहीं आई तो आपने एक दफा इस वाले को दोबारा रिपीट कर देना है मुझे कहोगे तो मैं एक दफा लाइव आकर ग्रुप में लाइव आऊंगा यूट्यूब पे लाइव नहीं आऊंगा ग्रुप में लाइव आकर ये चीज आपको दोबारा समझा दूंगा कि ड्रॉप शिपिंग वाइट लेबल होलसेल और प्राइवेट लेबल क्या होता है देखिए कॉपी तो हर चीज की चलती है कॉपी प्र, नाइकी प्राइवेट लेबल है ठीक है नाइकी प्राइवेट लेबल है आपका खाडी प्राइवेट लेबल है आपका जनरेशन प्राइवेट लेबल है आपके जितने बड़े ब्रांड्स हैं वो प्राइवेट लेबल हैं तो आप मार्केट में क्या जनरेशन की कॉपी नहीं मिलती मार्केट में क्या खाडी की कॉपी नहीं मिलती मार्केट में क्या नाइकी की कॉपी नहीं मिलती लेकिन एक चीज याद रखो कि प्राइवेट लेबल ब्रांड को फर्क नहीं पड़ता कि उसकी कॉपी बिक रही है या नहीं बिक रही क्यों फर्क नहीं पड़ता मैं आपको बता देता हूँ खाडी है खाडी का कस्टमर ही अपर क्लास है खाडी का लोअर क्लास कस्टमर ही नहीं

क्लास के लिए क्या का क्या माइंडसेट है मिडिल क्लास का क्या माइंडसेट है? है जो सेकंड क्लास में मैंने आपको दिखा चीजें समझाई थी कि लोअर क्लास कैसे सोचती है वो कौन सा प्रोडक्ट बाय करती है मिडिल क्लास कौन सा प्रोडक्ट बाय करती है और हाई क्लास इलीड क्लास या हाई क्लास और कौन सा प्रोडक्ट बाय करती है वो चीजें मैंने आपको समझाई थी लेकिन ज्यादातर जो ब्रांड्स होते हैं वो मिडिल क्लास और एलिड के लिए होते हैं जब मिडिल क्लास और लीड के लिए होते हैं तो उनकी कॉपीज अगर आती भी है ना तो वो लोअर क्लास लेती है वो ये क्लास खुद बाय नहीं करती आपने किसी लीड कस्टमर को आज तक खाडी की कॉपी ढूंढते हुए खाडी के कॉपी कपड़े खरीदते हुए नहीं देखा होगा खाडी के जो कॉपी या जनरेशन की कॉपी या किसी भी नाइकी की कॉपी भी अगर ले रही होगी ना तो वो लोअर क्लास पे सेल हो रही होगी मिडिल क्लास या हाई क्लास मिडिल क्लास भी पाकिस्तान में ले लेती ले है लेकिन यूके यूएसए में मिडिल क्लास भी नहीं बाय करती तो सर पीएल में काफी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है अगर किसी के पास पचास पी के आर है पचास रुपये में तो आपको आ, समोसे एक समोसा ले लो और ऑनलाइन लगा लो बिक जाएगा ड्रॉप शिपिंग के के लोकल बाबा के बारे में बताएं प्लीज ड्रॉप शिपिंग देखो मैंने सिर्फ अभी आपको टर्म्स बताई ड्रॉप शिपिंग का लोकल बाबा का मुझे आइडिया नहीं है तो आ, मेरे दोस्त का है फैजान भाई का है लेकिन फैजान भी अच्छा काम कर रहे हैं अब पाकिस्तान में कर रहे हैं नहीं कर रहे क्योंकि आजकल वो यू ए होते हैं तो आ, अब वो ड्रॉप शिपिंग में सक्सेसफुल है या नहीं है या वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे मुझे आइडिया नहीं है तो नेटवर्किंग मार्केटिंग अब मैं क्वेश्चंस आंसर ले रहा हूँ आज की क्लास में और ज़्यादा लेकर जाना चाह रहा था लेकिन बहुत ड्राई हो जाती है आप लोगों के लिए आपको और ड्राई टॉपिक समझना आता तो इस वजह से मैंने थोड़ा थोड़ा ही उसको टच किया इतना ज्यादा आपको समझाना समझाया नहीं है आगे क्योंकि टाइम है हमारे पास आगे हम इन्हीं चीजों पे काम करेंगे तो आपकी काफी चीजें कवर्ड होंगी होल सेल डब्ल्यू एल एंड पी एल कॉन्स मैं आगे बच्चे अगली वाली क्लासेस में बता दूंगा अभी बताऊंगा ना बच्चों के लिए बहुत ड्राई हो चुका है टॉपिक बहुत ड्राई थे डिस्कशन और ड्राई हो जाएगी उनका दिमाग इतना प्रोसेस नहीं कर रहा होगा अभी किसी बच्चे ने जाना नहीं है मैंने आज की असाइनमेंट देनी है और असाइनमेंट जो बच्चे कंप्लीट करेंगे मैंने आपको बताया था कि ट्रेनिंग के एंड पे तेरह क्लासेस के बाद सर्टिफिकेट्स देने हैं टॉप टेन स्टूडेंट्स को भी सर्टिफिकेट मिलेंगे जो शायद मैं टॉप ट्वेंटी कर दूँ क्योंकि क्लास में बच्चे ज़्यादा हैं और उसके अलावा जो बच्चा ये असाइनमेंट्स और पूरी क्लासेस ले रहा है उसको महीने ट्रेनिंग के बाद एक सर्टिफिकेट मिलेगा ताकि उसको जॉब्स में या या उसको आगे ई e कॉमर्स करने में उसको सर्टिफिकेट जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा वो सर्टिफिकेट को यूज़ कर सके तो उसके पास एक अचीवमेंट पड़ी हो तो असाइनमेंट आज मैंने देनी है मैं आपको असाइनमेंट दे देता हूँ असाइनमेंट बता देता हूँ असाइनमेंट समझा भी देता हूँ असाइनमेंट करनी कैसे उसके बाद आपने करना ये है कि ये असाइनमेंट कंप्लीट करनी है और सबमिट कैसे करनी है कहाँ पे करनी है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ मुझे एक सेकंड है तो मैं असाइनमेंट खोल दूँ अच्छा एक चीज याद रखो ये असाइनमेंट मेरे लिए नहीं है इस असाइनमेंट का मुझे कोई फायदा नहीं है मेरी तरफ से आप बच्चे करें या ना करें मुझे कोई फायदा नहीं है ये असाइनमेंट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ताकि आपका एक आज का लेक्चर हो गया आप ये असाइनमेंट कर लेते हो एक और लेक्चर होगा फिर आप उसकी असाइनमेंट कर लेते हो तो जब आप छः सात क्लासेस कर लोगे ना तो ये सारी चीजें आगे, आगे आपको जरूरत आएंगी आपके पास आपका बिजनेस मॉडल इन्हीं असाइनमेंट से आपका एक बिजनेस मॉडल पूरा पड़ा हुआ होगा आपके पास कि यार मेरा मेरा मैं क्या करना चाह रहा हूँ कैसे करना चाह रहा हूँ असाइनमेंट टू असाइनमेंट वन है आप असाइनमेंट टू करोगे असाइनमेंट टू वन के अंडर ही जब आप अपनी असाइनमेंट टू डाल दोगे ना तो आपका पूरा एक फ्लो आपके पास बन जाएगा मैं क्या बिजनेस रन करना चाह रहा था मेरे क्या स्टैट्स थे क्या उसकी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व थी क्या उसमें क्या मॉडल इन्वॉल्व था वो कैसे करना है तो ये असाइनमेंट्स आपके लिए हैं ये असाइनमेंट्स मेरे लिए नहीं है मुझे इसका कोई फायदा नहीं है मुझे सर्टिफिकेट मैंने आपसे कोई पैसे तो नहीं लिए सर्टिफिकेट भी मैं जेब से प्रिंट कराऊंगा आप लोगों को दूंगा तो मुझे इन चीजों का कोई फायदा नहीं है सिर्फ और सिर्फ ताकि आपको क्लास याद रहे आपको कॉमर्स याद रहे इसलिए ये असाइनमेंट है और आप लोगों के लिए जिसने करनी होगी वो कर ले इधर सबमिट करवा दे जिसने नहीं करनी होगी वो बेशक मेरी तरफ से ना करे मैं पहले असाइनमेंट बता दूंगा आपको फिर मैं फ्री हूं फिर आप जो क्वेश्चन पूछोगे उसका आंसर मैं आपको दे दूंगा टेंशन नहीं लेने असाइनमेंट नंबर वन नेम ऑफ द स्टूडेंट अपना नाम लिखें डेट ऑफ सबमिशन जिस दिन सबमिट करवाएंगे उस वो लिख लें पाकिस्तान के स्टैट्स जो मैंने आपको स्लाइड से बताए थे कि तेईस करोड़ की आबादी है जो भी स्टैट्स हैं कितने परसेंट पाकिस्तान में बिकता है क्या बिकता है कैसे बिकता है अपने स्टैट्स निकालें खुद जाओ रिसर्च करो मेरी स्लाइडों से चीजें उठाकर मत डालना खुद रिसर्च करो खुद जो भी आपको स्टैट्स मिलते हैं उसके अंदर डाल दो किस नीच के अंदर आप इंटरेस्टेड हो मैंने आपको पांच नीशेज बताई थी इलेक्ट्रॉनिक्स बताई थी फैशन बताई थी मैंने आपको तीसरी uh, बताई थी टॉयज बताई थी फर्नीचर बताई थी और uh, ये ब्यूटी बताई थी ये पांच नीशेज थी उन पांच नीशेज में से आप किस नीच के अंदर इंटरेस्टेड हो वो डाल दो टारगेट ऑडियंस मैंने आपको सेकेंड क्लास में डिटेल में बताया था कि किस टारगेट ऑडियंस का फायदा क्या होता है वो क्यों जरूरी होती है उनके मुताबिक आपको सोचना पड़ता है किस एज को आप टारगेट करना चाह रहे हो आप वो डाल दो Women को करना चाह रहे हो मेन को करना चाह रहे हो वो भी डाल दो ठीक है टारगेट ऑडियंस की इनकम के स्टैट्स के आप लोअर क्लास को टारगेट करना चाह रहे हो तो उसके क्या स्टैट्स हैं या आपका मिडिल क्लास के लिए या आपका हाई क्लास के लिए तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना कि आप प्रोडक्ट जो है वो किस क्लास को टारगेट करना चाह रहे हो और क्यों वो क्लास आपने क्यों सिलेक्ट की है उसकी परसेंटेज पाकिस्तान में क्या है क्वेश्चन नंबर फोर ये ई कॉमर्स मॉडल ड्रॉप शिपिंग वाइट लेबल लेबल होलसेल और प्राइवेट ये चार मॉडल्स हैं इसमें से आप किस मॉडल में इंटरेस्टेड हो किस में काम करना चाह रहे हो क्यों काम करना चाह रहे हो उसको आ, फायदा क्या है तो आपने गूगल पे जाकर खुद भी रिसर्च करनी है जो मॉडल भी आप सेलेक्ट करोगे वो फायदा क्या है नुकसान क्या है पाकिस्तान में उसके बारे में क्या हो रहा है कैसे हो रहा है क्या ब्रांड्स है सब कुछ आपने खुद डिटेल में भी देखना है और उसका रीजन इधर तो लिख लेना है कि मैं क्यों इंटरेस्टेड हूँ इस वाली मार्केट में अच्छा ये ऊपर है कि आपने क्वेश्चन नंबर फाइव है कि, कि किस मॉडल में इंटरेस्टेड हो और क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि जिस मॉडल में आप इंटरेस्टेड हो क्यों इंटरेस्टेड हो उस क्यों का आंसर आपने देना है ठीक है उसके बाद उस मार्केट के फायदे क्या हैं अगर जिस तरह वाइट लेवल है तो उसका फायदा क्या होगा नुकसान क्या होगा प्राइवेट लेवल का कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो उसका आपको उस, उससे आपको फायदा क्या होगा उससे आपको नुकसान क्या होंगे वो सब कुछ अब आपने आठवां काम ये करना है कि आपने सप्लायर्स डिस्ट्रीब्यूटर लेट सपोज आप होल सेल करना चाह रहे हो तो आपने होल सेल के लिए आप मार्केट में जाओ जिस तरह लाहौर की मार्केट है शालमी शालमी में भरा हुआ होलसेलर बैठा हुआ है उनके पास बहुत प्रोडक्ट्स होते हैं हर तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं कराची में मेरा ख्याल गोल्डन मार्केट कहते हैं या पता नहीं कौन सी मार्केट कहते हैं उसको कर, राजा बाजार है जी पिंडी में आप इस तरह की मार्केट में जाओ जहाँ पे होलसेल पे प्रोडक्ट बिकता है वहां जाओ प्रोडक्ट्स देखो और उसकी डिटेल्स लिख लो कि यार मैंने ये प्रोडक्ट देखा है या ये ब्रांड देखा था या ये कंपनी देखी है मैंने इस कंपनी से बात की है इस इस, इस इंस्टाग्राम पे जाओ उन कंपनी से बात करो जो होलसेल पे काम करते हैं फेसबुक पे जाओ उन कंपनी से बात करो ग्रुप्स मैंने कहा ज्वाइन करो उनसे बात करो जिससे आप जो बात कर रहे हो जो आपको समझ आ रही है उसका नाम लिख दो कि यार मेरी इस बंदे से बात हुई है क्या बात हुई है वो डिटेल में लिख लो और किस नीच में आपको उस उसके पास प्रोडक्ट मिले थे उस नीच का नाम लिख लो इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स आपको लेट्स सपोज आप राजा बाजार गए और आपका एक होल सेलर मिला है आपको और वो कहता है कि ठीक है जी आप होल सेल में मुझसे ये गैजेट्स ले लो ठीक है गेमिंग गैजेट्स में आपको मिले आपने लिख लेना है नाम कि गेमिंग गैजेट्स मिले हैं कहाँ पे मिले हैं कैसे मिले हैं वो डिटेल्स में डाल देना आपने कि मैं यहाँ पे गया ये था ये ये गैजेट्स थे ये ये मार्केट थी ये सब कुछ था ये उसके अंदर मुझे ये गैजेट्स मिले हैं और नीच कौन सी थी वो इलेक्ट्रॉनिक्स की नीच की थी ये आप करोगे ना तो ये आपको इसलिए फायदा होगा कि जब आप अपनी ये पूरी डिटेल डाल दोगे तो आपके पास दो हफ्ते बाद तीन हफ्ते आगे आगे क्लासेस जाती हैं आपके पास ये डिटेल आती जाएगी तो आपको याद होगा ये अपनी ही जब असाइनमेंट अपने सामने ओपन करोगे ना तो आपको पता होगा हाँ यार मैंने उस मैन्युफेक्चर से बात की थी उस बंदे से बात की थी मेरी उस मार्केट में गया था उधर ये प्रोडक्ट देखे थे ये सारी डिटेल आपको अपनी डिटेल याद रहेगी तो और इससे आगे आप नेक्स्ट क्लासेस में इससे बेहतर करोगे हाँ हाँ ये अभी दस क्लासेस तक ये मॉडल्स चलने हैं सिर्फ आपको मॉडल्स की डिफिनेशन बतानी थी मॉडल्स चलने क्या होता है कैसे होता है पैकेजिंग कैसे होती है कांटेक्ट कैसे किया जाता है ये सारी चीज़ें इसमें कवर्ड होंगी तो असाइनमेंट की समझ आई है आपको ठीक है अब ये जो असाइनमेंट है इस असाइनमेंट में आपने ये जो असाइनमेंट है किधर गई है भाई असाइनमेंट ये असाइनमेंट है इसके नीचे लिखा हुआ है कि तीस सेप्टेम्बर तक आप सब ने कम्प्लीट करनी है तीस सेप्टेम्बर खत्म होने तक 30, ठीक है सैटरडे की रात तक आप ये असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हो और असाइनमेंट आप सबमिट कहाँ करवा सकते हो आपकी असाइनमेंट पे आपका और जब आप सेव सेवेज करोगे ना तो आपका नाम लिखो असाइनमेंट पे असाइनमेंट नंबर वन नहीं लिखा हो जिस तरह मेरे ऊपर हेडिंग नजर आ रही है असाइनमेंट नंबर वन असाइनमेंट नंबर वन ना लिखो आपका नाम लिखा हुआ तो वो आप अपने नाम के साथ सेव करोगे और ये ड्राइव का लिंक नीचे मैंने डाला हुआ है इस ड्राइव के ऊपर आप क्लिक करोगे या इसको कॉपी करोगे और इसको जाकर जब आप इंटरनेट के ऊपर पेस्ट करोगे तो ये आपके सामने एक ड्राइव ओपन हो जाएगी इधर ही जाकर आपने अपनी असाइनमेंट पेस्ट कर देनी है फाइल अपलोड करोगे और इधर जाकर जो भी असाइनमेंट बनाओ इधर आप सबमिट कर दोगे इसी लिंक के ऊपर भी जाओगे तो ये असाइनमेंट यहाँ पे पड़ी भी हुई होगी मैंने इधर डाली हुई है आपको ये असाइनमेंट यहाँ से मिल भी जाएगी नहीं तो व्हाट्सएप के हर ग्रुप के ऊपर और फेसबुक के ऊपर ये असाइनमेंट आप इसका लिंक आपके साथ शेयर हो जाएगा ड्राइव का आप उसके ऊपर क्लिक करो और आपको इधर जाकर ये असाइनमेंट मिल जाएगी या, मेरा ना मुंह थक जाता है इतना मुश्किल किसमें क्या है आपने सिर्फ ड्राइव के लिंक के ऊपर क्लिक करना है आपके पास वो ड्राइव ओपन हो गई उसमें आपने जाकर पेस्ट कर देनी है वेबसाइट अगर ये आपको मुश्किल लग रहा है तो बिज़नेसेस पता नहीं आप लोग कैसे रन करेंगे बिजनेस में तो बहुत कुछ करना पड़ता है कहाँ कहाँ के पापड़ बेलने पड़ते हैं कहाँ कहाँ किस घाट घाट का पानी पीना पड़ता है बिजनेस में हाँ जी आप क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ सर आपके कितने ब्रांड्स हैं मेरे दो ब्रांड्स हैं भाई मैं आपको दोनों ब्रांड्स अपने दिखा देता हूँ आज बच्चों से बहुत लोगों के मैसेज आते हैं ब्रांड दिखा दें ब्रांड दिखा दें ब्रांड दिखा दें ये ले मेरे ब्रांड्स आप एक ये मेरा ब्रांड है लाइशा कॉस्मेटिक्स के नाम से ये मेरी वाइफ का और मेरा ब्रांड है ठीक है इसमें ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं हमारी ये मॉडल्स के साथ अपनी फोटोग्राफी है ये हमारी फोटोग्राफी अपनी है प्रोडक्ट अपना है सब कुछ अपना है ये और प्रोडक्ट्स हैं ये सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं डिफरेंट influencers के साथ हम काम करते हैं ठीक है ये हमारी अपनी वीडियोस अपना कंटेंट हम खुद शूट करते हैं अपना सब कुछ करते हैं ठीक है और ये भी हमारा एक और प्रोडक्ट है ये हमारा एक और प्रोडक्ट है तकरीबन आठ से नौ किस्म के प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास ये सारी फोटोग्राफी प्रोडक्ट डिजाइनिंग सब कुछ हमारा अपना है ये प्रोडक्ट्स आपको कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होंगे कॉपीड नहीं है वाइट लेबल नहीं है होल नहीं है हमारे अपने प्रोडक्ट्स हैं जो दूसरा ब्रांड है मेरा उसका नाम है ये मेरा दूसरा ब्रांड है जो अभी प्राइवेट लेवल ब्रांड हमने लॉन्च किया है ये अभी लॉन्चिंग फेज के ऊपर है अभी सिर्फ इसके अठारह पंद्रह सौ छः वो हुए हैं इसमें हमारी अपनी ये सन ग्लासेस का ब्रांड है ठीक है ये हमारी अपनी फोटोग्राफी वी वी है प्रोडक्ट फोटोग्राफी कौन सा है प्रोडक्ट डिजाइनिंग सब कुछ हमारा अपना है ये इसका डीवीसी था ये डीवीसी हमने खुद शूट किया हुआ है ठीक है तो दोनों ब्रांड्स मेरे समझ आ गए आपको न्यू ब्रांड अभी भाई मैं प्राइवेट लेबल करता हूँ प्राइवेट लेबल में रेवेन्यूज नहीं देखते हम फोकस इन्वेस्टमेंट उठाने पे और नेक्स्ट उसको स्केल करने पे तो अभी तो ये लॉन्चिंग फेज के ऊपर है भाई ड्रॉप शिपिंग आप पच्चीस हजार रुपए के तो आपके एड्स लग जाएंगे पचास एक हजार रुपये मिनिमम आपको चाहिए होंगे अली खान सोती सर जी अली रुफेल भाई इसकी वेबसाइट सर लेंस वाली लेंस वाले की वेबसाइट अभी नहीं लॉन्च किए सिर्फ मैंने सन ग्लासेस और ऑप्टिकल फ्रेम्स अभी लॉन्च किए जी लेंजो डॉट पी के नाम है जेड एल ई एन एस ओ डॉट पी के सर वाइट लेवल को स्टार्ट करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए यार वाइट लेवल डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर आप प्रोडक्ट आपको सत्तर रुपए का प्रोडक्ट मिलेगा उसके देखो दो तीन चीजों पर वाइट लेवल डिपेंड करता है एक वाइट लेवल डिपेंड करता है आप प्रोडक्ट क्या सिलेक्ट करते हैं ठीक है दूसरा डिपेंड करता है कि आप जिस मैनुफेक्चर से लेना चाह रहे हो ना वो मिनिमम आपको कितनी क्वांटिटी दे रहे हैं लेट सपोज एक प्रोडक्ट आपको तीन सौ रुपए का प्रोडक्ट आपको पड़ रहा है खरीदने पर जो आपने हजार रुपए का बेचना है या पांच सौ रुपए का आपको प्रोडक्ट पड़ रहा है वो और आपने हजार रुपए का बेचना है वाइट लेवल में अब पांच सौ रुपए का वो प्रोडक्ट आपको पड़ रहा है और आपने हजार रुपए का बेचना है और वो मैनुफेक्चर आपको कहता है कि जी मिनिमम हजार पीसेस बना कर दूंगा ठीक है तो पांच सौ मल्टीप्लाई बाय हजार लगा लो तो ये आपके बन जाएंगे पांच लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लगेगी पांच सौ रुपए का अगर वो प्रोडक्ट है सत्तर रुपए का प्रोडक्ट है वो आपको कहता है जी सत्तर रुपए का प्रोडक्ट होगा ये आपको मैं सत्तर रुपए में दूंगा और ये आपको मैं तीन सौ पीसेस बनाकर दे दूंगा तो इक्कीस हजार रुपए सत्तर रुपए का प्रोडक्ट हो तीन सौ पीसेज आपने मनवाने तो लगेंगे आपके प्रोडक्ट के ऊपर आपका इक्कीस हजार रुपये लगेगा मार्केटिंग पे बजट लगेगा तो डिपेंड करता है कि आप प्रोडक्ट क्या सिलेक्ट कर रहे हो मैन्युफेक्चर कौन सा सिलेक्ट कर रहे हो डिजाइनिंग पे कितना पैसा लगा रहे हो पैकेजिंग पे कितना पैसा लगा रहे हो उसको बेचने पर कितना, कितना पैसा लगाओगे बहुत ज्यादा चीजें हैं ये फाइनेंशियल प्लान में हम डिस्कस करेंगे सब कुछ एक एक क्वेश्चन में आपको क्लियर करूंगा इन्वेस्टमेंट का तो अभी मत पूछो पहले सीख तो लो ई कॉमर्स है क्या अली भाई, doing white label on trending products. आप white label नहीं, आप नहीं नहीं कर रहे हो. Trending, uh, white label में कभी भी trending products नहीं होते, ठीक है? Uh, जो आप वाइट जिसको आप वाइट लेबल कर रहे हो वो होल सेल होती है होल सेल में भी आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट पे नहीं कर रहे आप विनिंग प्रोडक्ट्स पे कर रहे हो लेकिन आपके मैं कितने बच्चों को जाता हूँ जो होलसेल करते हैं और अगर ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स पे करते हैं ना या uh, ट्रेंडिंग uh, प्रोडक्ट्स के लो या उसको कह लो कि विनिंग प्रोडक्ट्स पे करते हैं सात से आठ महीने बाद उनका स्टोर बंद हो जाता है यार बहुत ज्यादा बारे में एक पढ़ने लगता हूँ अगला मैसेज अगला कॉमेंट आंसर जॉब माइंडसेट माइंड सेट जॉब माइंडसेट वाले नीच कैसे सिलेक्ट करेंगे जॉब माइंडसेट वाले नीच नहीं सिलेक्ट करेंगे जॉब माइंडसेट वाले पूरा ई कॉमर्स समझेंगे ई कॉमर्स है क्या है मॉडल्स क्या हैं ई कॉमर्स होती क्या है फाइनेंशियल e प्लान कैसे बनते हैं बिजनेस प्लान कैसे बनते हैं मार्केटिंग क्या होती है फोर पीज ऑफ मार्केटिंग क्या होती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है जॉब वाले पूरी चीजों को समझेंगे और उनमें से एक चीज के ऊपर अपनी ग्रिप करने की कोशिश करेंगे सर व्हाइट लेवल के लिए कौन सी मार्केट कैसे फाइंड करने हैं यार मैंने अभी नहीं बताई वाइट लेवल की आपको डेफिनेशन बताई है मार्केट की तरफ अभी मैं गया नहीं हूँ तो आप उनको कैसे कि वो कैसे करनी है वो अगले क्वेश्चन है ना एंड एन फॉर गर्ल्स है ना आप दोबारा क्वेश्चन पूछो क्योंकि आपका आधा क्वेश्चन आ रहा है एंड फॉर गर्ल्स जो मार्केट में नहीं घूम सकती क्या मतलब है इसका मुझे समझ नहीं आई सर प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट की टेस्टिंग कैसे होती है जैसे आपने बताया कि प्रोडक्ट की टेस्टिंग आगे आएगा ना बच्चे अगले क्वेश्चन अभी क्यों करते हो प्रोडक्ट की टेस्टिंग मैंने कब सिखाई है आपको सर्टिफिकेट कैसे लेंगे सर्टिफिकेट ऐसे लेंगे कि मैं आपको बुलाऊंगा अपने पास इनशाला इस लाहौर बुलाऊंगा यहीं पे सर्टिफिकेट्स की वो होगी इन हम एक सेमिनार अरेंज करेंगे सारे बच्चों को दावत दूंगा कि वो आए और जो बच्चे उसमें सेलेक्ट होंगे उनको ऑन प्रेमिस मेरे ऑफिस में या उस लोकेशन के ऊपर उनको फोटोग्राफी uh, होगी वीडियोस होंगी सर्टिफिकेट्स बांटे सर्टिफिकेट्स uh, दिए जाएंगे टॉप टेन को सर्टिफिकेट्स के साथ मैंने एक स्पेशल गिफ्ट रखा हुआ है टॉप ट्वेंटी स्टूडेंट्स के लिए उनको टॉप ट्वेंटी को वो गिफ्ट भी मिलेगा साथ शील्ड मिलेगी एक शील मिलेगी या एक गिफ्ट स्पेसिफिक गिफ्ट मैंने रखा हुआ है वो उनको मिलेगा बाई चूज डब्ल्यू एल इन स्टर्ड ऑफ प्राइवेट लेबल एक ज्यादा नीच हो अगर एक डब्ल्यू एक होल सेल हो यार एक भी आप चला लो तो बहुत है होल सेल भी करना है वाइट लेवल भी करना है वो आगे क्लासेस में बताऊंगा मेरे पास बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वाइट लेवल और होल सेल को मिक्स करने के भी और होल सेल को पहले होल सेल पर चला के उसको वाइट लेवल पे कन्वर्ट करने की मेरे पास काफ़ी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ऐसी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास इंडिया में की बड़ी तगड़ी एग्जाम्पल्स हैं तो आपको मजा आएगा मुझे टॉप टी में आना है इनशाला जी जरूर आएंगी सर मैंने होल सेल स्टार्ट किया था यार एक सेकंड सर मैंने होल सेल स्टार्ट किया था दो लाख लोन लेकर अंकल से यकीन करे। मार्केटर लूट गए मुझे कुछ नहीं दिया मुझे लारे लपे बहुत दिए थे तो ये आपकी गलती है कि आपने विदाउट एनी स्किल सेट और पूरा उस बिजनेस मॉडल को और बिजनेस को समझे बगैर इन्वेस्ट भी कर दिए किसी के कहने पर और पैसा ज़ाया भी हो गया विदाउट सोचे समझे पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो ऐसा ही होता है आप असाइनमेंट खुद चेक करेंगे सबकी रिव्यूज देंगे यार मैं असाइनमेंट आपके लिए मैं हजार बचे की असाइनमेंट आप खुद देखें कैसे चेक करूंगा ठीक है मैं सिर्फ ये एक रेंडमली चेक करूंगा बीच में से किसने क्या क्या डाला हुआ है ठीक है गलत है और असाइनमेंट आना जरूरी है क्या करना होगा सर्टिफिकेट लेने के लिए सर मैंने आपको बताया तो ये असाइनमेंट्स है क्लासेस पूरी लेनी है असाइनमेंट्स है असाइनमेंट सबमिट करवानी है और गुड टू गो यार मैंने आपको आगे माइंडसेट देना है इनशाला कम इन्वेस्टमेंट के साथ हम ब्रांड लॉन्च करेंगे कम इन्वेस्टमेंट के साथ हम वाइट लेवल करेंगे कम इन्वेस्टमेंट के साथ हम होलसेल करेंगे कम इन्वेस्टमेंट के साथ हम प्राइवेट लेबल करेंगे मैंने पहले कहा है कि पैसा इन्वॉल्व नहीं है मैंटेलिटी इन्वॉल्व है माइंड इन्वॉल्व है हमने माइंड पे काम मैंने आपके माइंड पे काम करना है अगर आपका कॉमर्स e का माइंड बन गया तो और बिजनेस प्लान आपको बनाना आ गया फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स आपको बनाना आ गई फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आपको बनाना आ गई प्रोडक्ट सेलेक्ट करना आ गया हंड करना आ गया इन्वेस्टर भी मिलना आपके लिए मुश्किल नहीं है मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट करना भी मुश्किल नहीं है तीसरी क्लास थी होली रखो स्लो स्लो जरा स्लो चलो फ्री वाले सर्विसेज पे फोकस करें इसमें बहुत ज्यादा सर्विसेज आएंगी मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोडक्ट हंटिंग एंड सोर्सिंग की सर्विसेज वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विस सर्विसेज डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज ई कॉमर्स टेयर स्टोर को किस को लॉन्च करने की सर्विसेज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की सर्विसेज काफी सर्विसेज आएंगी इसमें जो ई इकॉमर्स की जिनके ऊपर डिपेंडेंट होती है तो आप उस पर फोकस करके स्केल कर सकते हो अपनी सर्विसेज लोगों को दे सकते हो साथ साथ में बताऊँगा क्या क्या सर्विसेज आप दे सकते हो वो सर्विसेज सिखाऊंगा भी और दिलवाऊंगा भी ज्यादातर लोगों को इस बात का पता नहीं है लेकिन मैं पिछले आठ साल से एजेंसी ओपन एजेंसी रन कर रहा हूँ और मैं आपको एक सेकंड अगर अपना ऑफिस दिखाऊं तो ये मेरा अभी न्यू ऑफिस बना है ठीक है अभी इधर एम्प्लॉयज वगैरह आने हैं मेरे दो ऑफिस हैं एक थर्ड फ्लोर पे ये मेरा फिफ्थ फ्लोर के ऊपर ऑफिस है तो मैं आठ साल से एजेंसी रन कर रहा हूँ एजेंसी में सर्विसेज दे रहा हूँ मेरे पास क्लाइंट जो होते हैं वो क्यों पांच लाख चार लाख तीन लाख रुपये देते हैं और कैसे एजेंसी का मॉडल सक्सेसफुल होता है तो इनशाला एजेंसी वाले जो हैं जो सर्विसेज देना चाह रहे हैं फ्री हैं वो वो टिकेर हैं बहुत ज्यादा चीजें आपको पता चलेंगी सर हैंडमेड प्रोडक्ट्स का पीएल में क्या स्कोप है हैंड कोई भी प्रोडक्ट जो आप खुद बना सकते हो उसका बहुत स्कोप है क्योंकि आपको वो प्रोडक्ट बनाना आता है वो आपके हाथों का बना वो रेजन आर्ट हो बेशक कोई भी प्रोडक्ट हो आपकी वो सेल्स भी आएंगी प्रोडक्ट अच्छे डिजाइन करो यूके यूएसए की मार्केट में उस तरह के प्रोडक्ट मतलब उस तरह के डिजाइन ढूंढो खुद हाथों से बनाओ अपनी वेबसाइट इंस्टा पे लगाओ अच्छी अच्छी वीडियोस बनाओ बिकना है मैं तो फिर किसी से बनवाता हूँ प्रोडक्ट आप तो खुद बना सकते हो जो खुद बना सकता है प्रोडक्ट कम सेल आएगी ज्यादा सेल आएगी लेकिन आप ब्रांड बन जाओगे मुझे पता था था आप 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 हो मैं मैं समझ गया था. तो आप रेजन आर्टिस्ट आर्ट पे पे करो करो इसके अलावा कि कि से गूगल पे जाओ, से जाओ ढूंढो कौन सबसे ज्यादा हैं आगे मैं आपको ढूंढना सिखाऊंगा कैसे ढूंढा जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बेकर है फिर उस तरह के प्रोडक्ट आप अपने हाथ से क्रिएट करना उनको अपनी वेबसाइट पे लगाना और उनको बेचना सर सॉरी आपको बीच में डिस्टर्ब किया था अगर आपके ऑफिस तक पहुंचना हुआ तो हाउ टू गेट सर्टिफिकेट अगर आपके ऑफिस तक पहुंच ना हुई तो हाउ टू गेट सर्टिफिकेट फिर किसी को कह देना मेरे ऑफिस से पिक कर ले कोई आपका लॉर से गुजर रहा बंदा शंदा अब हजार बंदों को तो टीसीएस कर नहीं सकता चेक इन बॉक्स न्यू स्टोर के लिए इन फोर वन कैसे सजेस्ट करेंगे आप सर जो लाहौर नहीं आ सकते अच्छा वो चूज मैंने बता तो दिया है कि वो अपना कोई बंदा भेज दें कोई दोस्त भेज दें कभी चक्कर लगेगा मेरे पास ऑफिस आए चाय भी पिए अपना सर्टिफिकेट भी लेकर जाए डब्ल्यू एल कोई टर्म नहीं है मुझे नहीं पता डब्ल्यू एल से आप क्या करना चाह रहे हो अच्छा वाइट लेवल करना चाह रहे होब्ल्यू एल ऑलरेडी एज यू पी एस यू पी एस क्या होता है यूएस पी होता है मुझे आपके क्वेश्चन की नहीं समझ आ रही हारिस आप पूछना क्या चाह रहे हो क्वेश्चन में सर असाइनमेंट के फॉर्म कहाँ हैं असाइनमेंट का फॉर्म आपके साथ ग्रुप में फेसबुक के ग्रुप में और व्हाट्सएप के ग्रुप में आपके साथ असाइनमेंट शेयर हो जाएगी उसका लिंक भी शेयर हो जाएगा जहाँ पे आपको असाइनमेंट करनी और उस लिंक के ऊपर जाकर आपने पेश कर देनी अपनी वेब असाइनमेंट असाइनमेंट में पाकिस्तान स्टेट्स में से रिकॉर्डिंग ई कॉमर्स इन पाकिस्तान न्यूज स्टोर के लिए इन चार में कौन सा सजेस्ट करेंगे आप कौन सा चार में से भाई क्वेश्चन तो पहले पूछा कर मुझे समझ ही नहीं आ रही आते हैं बच्चे हाउट लेवल मिलना है अच्छा यार बहुत ज्यादा क्वेश्चन है मैं, मैं पढ़ पढ़ के ना मेरे ज्यादा ऊपर चले जाते हैं दूसरा इशू ये आता है कि मुझे समझ भी नहीं आ रही क्वेश्चंस हैं क्या है तो क्वेश्चंस आंसर के लिए स्पेशल वो करूंगा दूसरा ये करना है एक रिक्वेस्ट है ये वाली स्ट्रीम जैसे ही खत्म होगी आप लोग अपना क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करो इसके कमेंट में मैं अभी स्ट्रीम के बाद बैठता हूँ और मैं देख रहा हूँ क्या कमेंट्स आए हुए होते हैं अभी ये कमेंट्स तो गायब हो जाएंगे आप प्रॉपर कोई क्वेश्चन इस क्लास से रिलेटेड करना है इसकी अभी स्ट्रीम खत्म हो वेबसाइट वो लिंक पे जाओ उस इसके पेज के ऊपर ये पोस्ट हो जाएगी लाइव में वहां पे जाकर क्वेश्चन करो मैं आपको उसी वक्त उसका आंसर कर रहा हूँ डिटेल में आंसर करता हूँ और लोगों के साथ भी शेयर कर दिया करो लाइक भी कर दिया करो ठीक है अपना ख्याल रखो अल्लाह हाफिज़